देखिए, सबसे पहले हम अंकेक्षण पर बढ़ने से पहले थोड़ा सा लेखांकन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑडिटिंग की प्रोसेस वो अकाउंटिंग के बाद ही आती है, ये सब हम अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन सरकार के क्षेत्र में हम जाकर के ऑडिटिंग के मामले में क्या करेंगे, ये तो बात की बात है, लेकिन हमारा जो बेसिक्स है वो क्या कहता है, इसके बारे में भी हमें फैमिलियर होना चाहिए। हम ये अच्छी बात है कि जिनका ग्रेजुएशन कॉमर्स से रहा होगा वो फैमिलियर भी होंगे। अगर आप किसी अदर स्ट्रीम से हैं, मैथमेटिक्स साइड से हैं या साइंस साइड से हैं, तो उतनी चीजें आप लोगों को क्लियर नहीं होंगी अकाउंटिंग के बारे में। पुस्तपालन बही खाता लिखा कर, तलपट, ट्रायल बैलेंस जिसे हम बोलते हैं, बैलेंस शीट हो गया, लेजर हो गई, डबल एंट्री सिस्टम हो गया, सिंगल एंट्री सिस्टम हो गया, तो कॉमर्स वाले तो इन सब चीजों से अच्छी तरह वाकिफ होते हैं, लेकिन अदर फील्ड के लोगों को थोड़ा सा समस्याएं आती हैं। तो कुछ बेसिक्स के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग के पास टाइम भी है इंटरव्यू के लिए, तो हम काफी अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लेखांकन के आशय की बात करें, तो 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स AICPA, ये जो संस्था है, इसने लेखांकन के बारे में एक परिभाषा दी। इन्होंने कहा कि लेखांकन का संबंध उन लेन देनों, लेन देन का मतलब हो गया ट्रांजेक्शन, जैसे कि आप बैंक में भी जाकर के करते हैं, रुपया निकालना और जमा करना, सीधी सी परिभाषा है लेन देन करना। और लेन देन का जो मूल बात होती है वो केवल पैसे को लेकर के होती है, और उन चीजों की हम एंट्री कर रहे हैं जब अकाउंटिंग के अंदर, क्योंकि हमारे हमने किसी को कितना रुपया दिया और कितना रुपया लिया, इन चीज की अकाउंटिंग होती है। ठीक है, तो और व्यवसाय जो होता है वो पूंजी पर आधारित होता है, तो सीधी सी बात यह कि पैसों का ही रिकॉर्ड रखा जाता है। तो लेखांकन का संबंध उन लेन देनों घटनाओं से है जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कैसी होती हैं, वित्तीय प्रकृति की होती हैं। ठीक है, मुद्रा के रूप में प्रभावशाली ढंग से लिखने, उनको वर्गीकृत करने, कैटेगराइज करने और संक्षेप में व्यक्त करने, और इसके बाद इनके परिणामों की विश्लेषणात्मक व्याख्या करने की कला जो है वो लेखांकन कहलाता है। और विश्लेषण हम कहाँ जाके करते हैं, लेखांकन के जब हम अंतिम दौर में पहुंचते हैं, बैलेंस शीट तक हम पहुंचते हैं, P&L बना करके हम जब बैलेंस शीट तक आते हैं और हम देखते हैं कि एक वार्षिक वित्तीय विवरण कौन सा होता है, हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च पे एंड होता है। हमारे जो फाइनेंशियल ईयर होता है FY, एक होता है असेसमेंट ईयर AY, जो आगामी वर्ष होता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने बजट वगैरह में देखा हो, तो जब बजट बनता है तो फाइनेंशियल ईयर में जो होता है वो संशोधनात्मक स्वरूप होता है, और जब असेसमेंट ईयर की बात होती है तो वहां गवर्नमेंट जो एक प्लानिंग करती है कि हम आगे आने वाले साल में इन चीजों को सम्मिलित करेंगे। ठीक है, खैर वो बजट वाला मैटर है, उस पर बाद में जाएंगे, पहले तो हम लेखांकन को बात करें, नहीं तो वो टॉपिक फिर चेंज हो जाता है। 1966 में अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन AAA, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, 1966 में इन्होंने लेखांकन के बारे में कहा कि लेखांकन जो है वो आर्थिक सूचनाओं को पहचाने, और आर्थिक सूचनाओं का संबंध सीधा सीधा धन से होता है, इनको मापने, मेजरमेंट करने के लिए संप्रेषित करने की एक ऐसी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, जिसके आधार पर सूचना के जो उपयोगकर्ता होते हैं वो तर्कयुक्त निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, यानी एक लॉजिकल हमारी डिसीजंस हों। तो इस तरीके की जो सूचनाएं जिन्हें मापा जाए, संप्रेषित किया जाए, उन सबको करने के बाद एक लॉजिकल डिसीजन लेने में सक्षम बना। तो लेखांकन की प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं, तो लेखांकन निर्णयकर्ताओं का, जो निर्णयकर्ता होते हैं यानी जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, उनको आर्थिक क्रियाओं और उनके निर्णयों के परिणामों से जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप ऑडिटर की पोस्ट पे जा रहे हैं, तो आपके सबऑर्डिनेट्स जो होंगे उनके लिए आप एक निर्णयकर्ता की भूमिका निभाएंगे। जब आप और उन लोगों से जुड़ेंगे, उनके साथ काम करेंगे और आप उनके ऑफिसर होंगे, तो कहीं ना कहीं आप उन्हें इंस्ट्रक्शंस देंगे जिसको उन्हें फॉलो करना रहेगा। तो एक डिसीजन मेकर की भूमिका आप अपने इस पोस्ट पर निभाने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अब हम वही आते हैं, ये तो बात ऑडिटर पोस्ट की हो गई। तो यहाँ पर क्या है, हमारे जो निर्णय होते हैं वो परिणामों से जोड़ते हैं, तो जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो कोई भी निर्णय लेंगे, इसका प्रभाव सीधा सीधा उनके परिणामों पर पड़ेगा, और परिणाम दो प्रकार के आएंगे, या तो सकारात्मक आएंगे या नकारात्मक आएंगे। आपके द्वारा आपके विभाग में बनाई गई नीतियां सरकार के लिए कितनी लाभदायक है और कितनी हानिकारक, ये आपकी कला पर निर्भर करता है, ये आपकी योग्यता पर निर्भर करता है, जिसके लिए आप इतनी सारी पेपर की जो प्रोसेस है उसे क्रॉस करके आए और उसके बाद इस पोस्ट पे जाने वाले हैं। तो लेखांकन प्रक्रिया होती है, फिर लेखांकन सूचनाओं का संप्रेषण होता है, उसके बाद निर्णायक यानी आंतरिक और बाह्य उपयोगकर्ता, अभी हम देखेंगे कि आंतरिक उपयोगकर्ता कौन होते हैं लेखांकन में और बाह्य उपयोगकर्ता कौन होते हैं, उसके बाद आर्थिक घटनाएं घटित होती हैं, फिर निर्णय निकल करके आती है।
तो ये चीज है। 1970 में अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ AICPA इन्होंने कहा कि लेखांकन का जो कार्य है वो मुख्य रूप से आर्थिक इकाइयों के संबंध में ऐसी गुणात्मक सूचनाएं उपलब्ध कराना है जो प्रमुख रूप से वित्तीय प्रकृति की होती हैं और जो आर्थिक निर्णय लेने में उपयोगी होती हैं। ठीक है, ये इनकी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें कि लेखांकन की प्रकृति को समझने के लिए हमें कुछ पहलू समझने चाहिए, जैसे कि आर्थिक घटनाएं किस प्रकार की घटित होंगी, उनको पहचानना, उनका मेजरमेंट करना, उनका अभिलेखन करना, उनको संप्रेषित करना, संगठन भी इसमें सम्मिलित है, और सूचनाओं से संबंधित जो उपयोगकर्ता होते हैं, यानी आप ये सब किसके लिए कर रहे हो, आपके रिसीवर और आपके जो जहां आपको रिसीव कर रहे हैं लोग, आपके द्वारा दी गई सूचनाओं को रिसीव किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, किस लेवल पर किया जा रहा है, तो वो आंतरिक और बाह्य उपयोगकर्ता कौन है जो आपको ये वैल्यू देंगे। अगर हम किसी कंपनी की बात करते हैं तो एक कंपनी होगी प्राइवेट क्षेत्र में। और समीर जी समीर सर, सर, ये कह रहे हैं आप लोग वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे हैं? सुमन, मनीषा, राहुल, बबली, चलिए, तो लेखांकन का जो इतिहास है, जो ये परंपरा है, लगभग 4000 ईसा पूर्व में बेबीलोनी और इजिप्ट में हमें वहां से देखने को इसके प्रमाण मिलते हैं, तो ये तो इतिहास की बात हो गई। लेकिन आप लोग ये बताइए, आपने अकाउंटिंग के अंदर डेबिट और क्रेडिट शब्द पढ़े होंगे, तो ये डेबिट और क्रेडिट शब्द आए कहाँ से हैं, इसके बारे में भी बता सकते हैं? इसका ये जो डेबिट क्रेडिट शब्द का जो प्रचलन हुआ है पुस्तकों में, ये कहाँ से लिए गए हैं, इनका अर्थ क्या है, ये बता पाएगा? यस सर, जी बताइए। ये डेबिट और क्रेडिट दोहरा लेखा पद्धति बोलते हैं इसको, इसको वैज्ञानिक पद्धति भी बोला जाता है। जी इसके आय और व्यय को अलग अलग मदों में लिखा जाता है। जी इसकी कंफर्म तो नहीं है, बट इसकी शुरुआत हम 15वीं शताब्दी से मानते हैं। लुकास पेसियोली कुछ नाम थे उनका, जी जिन्होंने लेखांकन को जन्म दिया, जी जिनको लेखांकन के जन्मदाता माना जाता है। जी यस सर, और किस कहाँ से लिए गए, किस देश से लिए गए, कहाँ के शब्द हैं ये? ये सर लैटिन शब्द माना जाता है। देखिए, जो डेबिट शब्द है ना, वो इटली के डेबिटो शब्द से निकला है। डेबिटो शब्द सर, सॉरी सर, याद था लेकिन जी, जो लैटिन शब्द डेबिटा और डेब्यू शब्द से निकला है। डेबिटो कहाँ से निकला है? वो डेबिटा और डेब्यू से निकला होगा। इसका अर्थ होता है स्वामी का ऋणी होना। और क्रेडिट शब्द जो है वो इटली के क्रेडिटो शब्द से निकला है। जो लैटिन शब्द क्रेडा से निकला हुआ है, इसका अर्थ होता है स्वामी में विश्वास या स्वामी की देनदारी। तो सीधी सी बात है कि जब व्यय होता है, यानी आप किसी फर्म के मालिक हैं और आप तब आपकी तरफ से जो पैसा दिया जा रहा है, तो पाने वाला यहाँ पर क्या होगा, पाने वाला डेबिट होता है, देने वाला क्रेडिट होता है। आपने इसके प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, आय एवं व्यय डेबिट, लाभ एवं हानि क्रेडिट, इस तरीके से आपने इसके कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। तो डेबिट और क्रेडिट जो है वो हम डबल एंट्री सिस्टम में इसका यूज करते हैं, क्योंकि दोनों पक्षों की तरफ हम इसकी एंट्री करते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्राहक को माल का विक्रय करना है, तो ये कैसी घटनाएं हैं कि बाहर के व्यक्ति के बीच में जो लेन देन होता है, इन्हें हम बाह्य घटनाएं कहते हैं। हालांकि ये है तो आर्थिक घटनाएं। आर्थिक घटनाओं में हमारा क्या होता है, वित्तीय लेन देन इसमें हमारे आते हैं। ठीक है, जैसे मशीनों को खरीदना है, मशीन का परवाहन है, मशीन स्थापना है, व्यय एवं परीक्षण संचालन करना है। लेखांकन की किसी भी आर्थिक घटना से संबंधित सौदे के समूह की पहचान करता है। किसी भी घटना में संगठन एवं किसी भी बाहर के व्यक्ति के बीच में जो लेन देन होता है, इसे हम बाह्य घटनाएं कहते हैं। जैसे कि ग्राहकों को माल का विक्रय किया जा रहा है, कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की जा रही है, आपूर्तिकर्ता से माल का क्रय किया जा रहा है। आपूर्तिकर्ता मीन्स हम, मेरी अगर कोई फर्म है, मेरी कंपनी है, तो मुझे रॉ मटेरियल खरीदना है, तो मेरी रॉ मटेरियल की आवश्यकताओं को जो पूरा करेगा वो आपूर्तिकर्ता कहलाएगा। मकान मालिक को मासिक किराए का भुगतान करना है, तो इस तरीके की जो घटना है वो बाह्य घटनाओं में आ जाती है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। एक आध परिभाषा में पता भी होनी चाहिए कि हेराल्ड बियरमैन और एलन आर डर्बिन कहते हैं कि लेखांकन वित्तीय सूचनाओं को पहचानने, मापने, लिखने और संप्रेषित करना, ये लेखांकन कहलाता है। ठीक है, तो लेखांकन की अगर प्रक्रिया के बारे में हम देखें तो ये 8 चरणों से होकर के गुजरती है। 8 चरणों में क्या क्या आता है? एक तो हमारा व्यावसायिक लेन देन और घटनाओं की
पहचान करना। पहली बात तो आपको ये पता हो, आप ऑडिटिंग की फील्ड में जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि व्यावसायिक घटनाएं कौन सी हैं, सॉरी आर्थिक घटनाएं कौन कौन सी हैं, किन चीजों की आपको ऑडिटिंग करनी है। सब चीजों की तो नहीं करेंगे ना, तो हमें हमें इस फील्ड में ये पता होना चाहिए कि हमारे कार्य क्षेत्र क्या है। तो पहली बात तो पहचान करना आया। जब पहचान कर लेंगे हम अपनी चीजों की जिनके बारे में हमें ऑडिटिंग करनी है, या हमें किसी चीज का लेखांकन करना है, लेखांकन की ऑडिटिंग होती है, तो जब ये पता होगा कि लेखांकन की किस क्षेत्र से संबंधित है, तभी तो हम उसकी ऑडिटिंग कर पाएंगे आगे जाके। उसके बाद इसकी मीजरिंग करना, मापन करना, फिर आता है उसकी प्रविष्टि करना, रिकॉर्डिंग करना। अभी हम लेखांकन की बात कर रहे हैं ना कि अंकेक्षण की, ठीक है। उसके बाद इसको क्लासिफाइड करना, ये कहाँ इसको वर्गीकृत करना, उसकी समरी बनाना, सारांश बनाना, विश्लेषित करना, फिर उसको इंटरप्रेट करना, निर्वाचन करना उसका, निर्वचन करने के बाद उसे संप्रेषित कर देना। तो पहचानने में क्या होता है, हम सबसे पहले पता लगाते हैं कि क्रय विक्रय या लेन देन के पक्ष कौन से हैं और इनका किन वस्तुओं और सेवाओं से इनका संबंध है। सबसे पहले व्यवसाय में होने वाले लेन देन तथा घटनाओं की पहचान करना आवश्यक होता है। तो लेखांकन के लिए आवश्यक है, जब भी आप लेखांकन करेंगे चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, लेन देन सब जगह होता है। चाहे और हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था जो कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी आधी निजी क्षेत्र पर निर्भर है और आधी सार्वजनिक क्षेत्रों पर निर्भर करती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे यहाँ देखी जाती है, लेकिन लेन देन दोनों ही जगह पे होता है। मापन की हम बात करें तो मापन में देखते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं की कितनी मात्रा का लेन देन हुआ है और इस मात्रा का मूल्य जो है वो उस देश में प्रचलित मुद्रा में कितना है, तो ये हम देख लेते हैं रिकॉर्डिंग के टाइम, प्रविष्टि सॉरी मापन करते समय, मीजरिंग। जब प्रविष्टि करने की बात आएगी तो व्यवसायिक लेन देनों व घटनाओं की पहचान करें तथा मुद्रा में जो मापे गए लेन देन है उन्हें जर्नल पुस्तकों में प्रविष्टि करें। यानी हमने पहले माप लिया, उनके बारे में उनकी पहचान कर ली, जो लेन देन थे उनको किस प्रविष्टि में लिख किस जर्नल में लिखना है। जर्नल एंट्रीज में बहुत सारे वाउचर होते हैं, रिसीविंग वाउचर होता है आपका, पेमेंट होता है, कॉन्ट्रा एंट्री होती है बैंकों से संबंधित, ठीक है, सेल्स वाउचर होता है, परचेज वाउचर होता है, तो अलग अलग जगह पर हमारी एंट्री होती है, माल खरीदा गया, माल बेचा गया, ठीक है, नगद माल लिया गया, उधार माल लिया गया, तो इस तरीके के टर्म्स आते हैं। तो सर, अगर वाउचर का डिफिनेशन देना हो तो जी क्या वाउचर का डिफिनेशन क्या होगा? वाउचर को हिंदी में क्या कहते हैं, कह रही है वाउचर को हिंदी में क्या कहते हैं, कह रही है वाउचर नहीं को, सर, वाउचर को डिफाइन करना उनका हो कहना तो है कि वाउचर होता क्या है? वाउचर होता क्या है? वाउचर यानी किसी भी ट्रांजेक्शन के पक्ष में लिखित दस्तावेज होता है। वाउचर का अर्थ होता है कि जैसे परचेज किसी ने किया है तो एक प्रकार का लिखित दस्तावेज जिसके अंतर्गत माल खरीदने से संबंधित सारी एंट्रीज देखने को मिलेंगी, सारे लेन देन देखने को मिलेंगे। ये एक प्रमाण होता है जिसमें परचेज से संबंधित ट्रांजेक्शन हो। फॉर एग्जाम्पल सुनिए, आप जैसे मार्केट जाती हैं और बाजार से आप कुछ खरीद के लाती हैं, ठीक है। अब आपको जो भी सामान आप घर का राशन पानी खरीद के लाई, दाल लाई, मसाले लाई, चाय पत्ती लाई, कुछ भी लाई, तो इस आपको अपने घर पे एंट्री करनी है। अब घर में हम लोग क्या करते हैं, कच्चा चिट्ठा बना लेते हैं कि हमारा साहब हमने 15 सामान खरीदा और इसमें हमारा इतना खर्चा हुआ, लेकिन आपके लिए तो वो परचेजिंग हो गई ना, आपके लिए तो परचेजिंग है, और सामने वाले के लिए क्या, जिस दुकानदार से लिया उसके लिए सेल्स है, तो अपने सेल्स में एंट्री करेगा कि उसने जितना भी माल सेल किया है, आप जैसे हजारों कस्टमर्स को उसने बेचा है तो अपने सेल्स में एंट्री कर लेगा, ठीक है। और खरीदने वाले जैसे आप हैं तो वो अपने घरेलू स्तर पे कर लेंगे, लेकिन अगर उसने किसी से माल खरीदा है, यानी 10,000 लोगों की पूर्ति करने के लिए किसी ना किसी से माल तो खरीदेगा ना, तो माल खरीदने के लिए वो जो व्यक्ति है वो अपनी परचेजिंग वाउचर में एंट्री करेगा। तो ये सब क्या होगा, एक प्रकार के लिखित दस्तावेज हैं। और ये सब क्यों किया जा रहा है, हम लिख क्यों रहे हैं, लिखने की जरूरत क्या है? पहले के समय में ये सब एंट्रीज नहीं चलती थी, तो आपने देखा होगा मोटे मोटे रजिस्टर्स पे जो दीपावली के दिन पूजन किया जाता है दुकानदारों के द्वारा, तो वो इसलिए रख लेते थे कि उन्हें इतने सारे एंट्रीज याद नहीं रहती थी। हम लोगों का छोटा मोटा काम रहता है, घर से में 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग हैं, छोटी मोटी चीजें लेती हैं, लेकिन जब यही संख्या हजारों की मात्रा में बढ़ जाती है तो इनका लेखा जोखा रखना आवश्यक होता है। तो प्रत्येक चीज का एक निश्चित वाउचर होता है, किसी से पैसा आया तो रिसिप्ट में एंट्री हो गई, किसी को पैसा दिया गया तो पेमेंट में एंट्री हो गई। तो ये हो गए हमारे लिखित दस्तावेज। तो वाउचर का जो शाब्दिक अर्थ हम समझेंगे वो एक लिखित दस्तावेज है जो हमारा रिकॉर्ड रखते हैं कि हमने क्या खरीदा है, क्या बेचा है। और यहाँ जब खरीदने और बेचने की बात चल रही है तो वो किसी फर्म की चल रही है, किसी संस्थान की चल रही है। फॉर एग्जाम्पल हमारा भेल, भेल है, BHEL, आपने सुना होगा भेल, जहां पर हमारे ट्रेन के डिब्बे वगैरह बनते हैं,
भेलपुरा कारखाना है हमारा। अब क्या है, अब आप एक बात बताइए, कारखाना अगर बन रहा है और सरकारी है ये भेल, अब यहाँ पर इनको है ना रॉ मटेरियल चाहिए ट्रेन की बोगी बनाने के लिए, लोहा चाहिएगा, बहुत सारी चीजें बनती हैं, सीटें चाहिए, फोम चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो ये गवर्नमेंट के पास अगर नहीं है पर यहाँ उपलब्ध नहीं है तो वो क्या करेंगे, बाहर से खरीदेंगे। कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ नहीं टेक्नोलॉजी में मिल पा रही है, इंजन वगैरह बनाने में यूज करने के लिए, तो बाहर से मंगाएंगे, तो उनके लिए परचेजिंग है, सामने वाली कंपनी के लिए सेल्स है। जैसे अभी फाइटर प्लेन आए थे हमारे यहाँ जर्मनी वगैरह से, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया था जापान वगैरह से कि हम आपके यहाँ से फाइटर प्लेन लिए, तो या अगर हमें बनानी है, अगर हम खुद से स्वदेशी उत्पाद बना रहे हैं तो दूसरे देशों से हम माल मंगाएंगे, अगर हम उनसे परचेज कर रहे हैं तो वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाएंगे और हमें बेच देंगे। तो क्या हो रहा है, यहाँ भी एक प्रकार का परचेज और सेल का क्रम चल रहा है, प्राइवेट कंपनी में अलग चल रहा है तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी अलग तरीके से चल रहा है। तो ये जो चीजें हैं रिकॉर्ड करने के लिए लिखित दस्तावेज होते हैं तो वो हमारे वाउचर्स कहलाते हैं। आपको किस तरीके का वाउचर लगेगा, जैसे बैंक की एंट्री है, बैंक से हमने चेक की एंट्री की, किसी ने व्यक्ति को चेक दिया गया तो चेक की एंट्री जाती है कॉन्ट्रा वाउचर में, तो उसकी प्रविष्टि अलग हो जाती है। फिर आपके बैंक रिकॉन्सिलेशन अकाउंट्स बनते हैं, बैंक विवरण पत्र वगैरह बनते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। सर एक काम कीजिएगा, जो भी सर डाउट्स हैं ना आप उनको नोट करके रख लीजिए, डाउट सेशन हम लोग बाद में रख लेंगे, नहीं तो फिर पूरा टाइम क्वेश्चन आंसर्स में निकल जाएगा, बहुत सारी चीजें देखनी है। सिंगल एंट्री डबल एंट्री क्या ओके होता है सर, सर? सिंगल एंट्री डबल एंट्री पहने तो दीजिए, मैं वही तो कह रहा हूँ कि हम लोग जैसे जैसे आगे चलेंगे, देखिए सिंगल एंट्री दोहरा लेखा प्रणाली होता है, उसमें दोनों पक्षों की एंट्री होती है, यानी जिससे माल बेचा उसकी भी करेंगे, जिससे माल खरीदा उसकी भी करेंगे, लेकिन पहले एकहरा लेखा प्रणाली चलती थी जिसमें केवल एक ही पक्ष अपनी एंट्री करता था, जिसने अगर उसने केवल बेचा है तो बेचे बेचे की एंट्री करेगा, खरीदे वाले की एंट्री नहीं करेगा। लेकिन जब से डबल एंट्री सिस्टम आया तो जो व्यापारी बेच रहा है वो खरीदने वाले की भी एंट्री करता है, तो ये होता है डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। अभी इसको हम विस्तार से देखेंगे, तो हमने शॉर्ट में अभी हम लोग चले, पहले हम आगे तो बढ़े हम लोग, ठीक है, चिंता मत करिए, एक आखिरी सेशन नहीं है ये, हम लोग डेली छोटे छोटे सेशन करके इन चीजों को क्लियर कर लेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट है तो हम इन्हें देखते रहेंगे, ठीक है। और जो भी आपके कोई क्वेरीज आती हैं उन्हें आप नोट करके रख लीजिए, तो डाउट सेशन में बाद में भी पूछ सकते हैं। अभी गोपाल सर भी आपके साथ जुड़ेंगे, ऑलरेडी वो एक अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट में आप जानती हैं, थोड़ी सी व्यस्तता थी उनके साथ, तो उनके साथ भी आपका एक इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि काफी सारी हमें चीजें जल्दी जल्दी लेनी पड़ेंगी, इतना टाइम भी नहीं, तो आगे चलते हैं, ठीक है। प्रविष्टि करना हो गया, रिकॉर्डिंग के बाद आगे क्लासिफाइंग, वर्गीकरण। वर्गीकरण में क्या होता है कि लेखा पुस्तकों में जो प्रविष्टि है, माफ कीजिएगा, ना लेखा पुस्तकों में प्रविष्ट लेन देनों को भिन्न भिन्न खातों में लिखा जाता है, जिसे हम पोस्टिंग कहते हैं, खतौनी करना कहते हैं, ठीक है। तीन प्रकार के खाते होते हैं, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स और पर्सनल अकाउंट्स। अब अभी ये मत पूछिएगा ये तीनों क्या होते हैं, हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। व्यक्तिगत खाते होते हैं, नाम मात्र के खाते होते हैं और वास्तविक खाते होते हैं। तो उसके बाद बात आती है कि जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि कौन सी एंट्री कहाँ जानी है, तो फिर हम इसकी पोस्टिंग कर देते हैं, रिसीप की रिसिप्ट में, सेल्स की सेल्स में, अलग अलग जगह पर हम इनकी एंट्री कर देते हैं। फिर आती है समराइजिंग की बात, तो विभिन्न खातों में खतौनी करने के बाद, यानी खतौनी का अर्थ होता है लेखों की प्रविष्टि। अब आपके पास एक कच्चा चिट्ठा लिखा हुआ है, लेकिन उसे एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना, रिसीविंग जो हमारी रिसिप्ट हुई है, जो हमें प्राप्त हुआ है वो अलग लिख दिया, जो हमारी तरफ से गया है उसे अलग लिख दिया, ठीक है, जो खरीदा है वो अलग लिख दिया, जो बेचा है वो अलग लिख दिया। इससे क्या होगा, खिचड़ी नहीं बनेगी, नहीं तो क्या होगा, एक में सब चीजें लिख दोगे तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे भाई, इसलिए अलग अलग लिखा जाता है। जैसे हम आए आपके पास, हमने कहा साहब अपनी रिसीविंग बुक दिखाइए, तो आपने जितना भी रिसिप्ट किया होगा वो सब आप हमें दिखा सकते हैं। हमने कहा अपना सेल्स बुक दिखाइए, आपने सेल्स बुक दिखा दी। हमने कहा अपनी परचेज बुक दिखाइए, तो आपका परचेज बुक का रिकॉर्ड है ना, अब हमने आपसे आपसे मांगी परचेज बुक, और आपने सब चीजें एक ही जगह पे लिख दी होंगी, तो आपको कितना टाइम लगेगा निकालने में, क्योंकि उसी में रिसिप्ट की भी एंट्री हो रही है, उसमें उसमें सेल्स की भी है, उसमें परचेज की भी है, तो सारे विवरण हमें एक तरफ से चाहिए आपसे। कैसे देंगे, अब आप ऑडिटर बन गए, ठीक है, और आपका हायर ऑफिसर आपके पास आता है और वो आपसे कहता है मुझे एक वर्ष का वित्तीय विवरण आपका देखना है, कि आपने किन किन चीजों की ऑडिटिंग की है, किन किन लोगों पर आपने क्वेरीज की हैं, आपने कैसे पता किया कि ये लोग जो लेखांकन कर रहे थे, आप किसकी ऑडिटिंग करोगे पता है, जो आपके जिनके लिए आपका जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है
जैसे मान के चलिए राशन मूल्य की दुकान, सबसे अच्छा उदाहरण, जो राशन मूल्य की दुकानें होती हैं जो सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, अब वो तो उनके यहाँ पे आता है, पैसा आ रहा है जा रहा है, कुछ लोग घपला भी करते हैं, ऑडिटर से बोला जाएगा आप जाइए और इनका अंकेक्षण करके आइए, ऑडिट करिए इनकी, ठीक है, इन्होंने एक वर्ष में कितना खाद्य विभाग से सामान लिया और कितना दिया है। आप उसकी जब रिपोर्ट बनाएंगे तो उसमें आपको सत्यता की जांच करनी पड़ेगी कि इन लोगों ने जितना भी सरकार से लिया है वो क्या सही लिया है, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने फर्जी बिल लगा दिए हो और पैसे निकाल लिए हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल अपने डिपार्टमेंट का बताते हैं, कई बार हमारे डिपार्टमेंट में क्या होता है, ये देखिए व्यावहारिक चीज है, इसे आप कहीं ओपन नहीं कीजिएगा क्योंकि पर्सनल चीज है, एग्जाम्पल की ही बताई जा रही है। तो उन लोगों के जैसे स्टेशनरी आई तो स्टेशनरी का बिल बनता है, ठीक है, अगर कोई फर्नीचर आया तो फर्नीचर का बिल बना दिया, गवर्नमेंट का कोई भी काम है तो हमारा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट एक बजट अलॉट करता है कि उसने 1 लाख रुपए का बजट दे दिया और आपकी जो भी आवश्यकताएं की चीजें वो ले लीजिए, तो कंप्यूटर चाहिए तो कंप्यूटर ले लिया। अब कई बार क्या करते हैं ऑफिसर्स, क्या करते हैं कि डिपार्टमेंट में क्या होता है, जो क्लर्क लेवल पे जो होते हैं, कि उन्होंने कुछ चीजें ऐसी लगा दी, फर्जी बिल लगा दिए और गवर्नमेंट से पैसा ले लिया, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हम लोगों के साथ कि ऐसी चीजें होती हैं। अब एक ऑडिटर जब जाएगा और उसकी ऑडिट करेगा तो उसे उन रिकॉर्ड्स को चेक करना पड़ेगा, वो सारे बिलों को देखेगा कि उस डिपार्टमेंट में जो बिल बनाए गए हैं वो फर्जी तो नहीं है, सही है या नहीं, अगर ऐसा पाया जाता है विभाग के अंदर तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट, सर कैसे पता चलेगा वो फर्जी है सर वाउचर? यही तो आपकी कला है, इसी बात के तो आप ऑडिटर हो, इन्हीं मेथड्स का तो आप यूज करोगे, आपने ऑडिटिंग के जो आपने प्रिंसिपल्स पढ़े हुए हैं, जब आपके सामने वो पूरी बिल बुक दिखाएगा 1 साल की, क्लर्क आया वहां का, अकाउंटेंट आया जिसे हम बोलते हैं, अकाउंटेंट की पोस्ट अलग होती है ना, वो आपके साथ बैठेगा, आपने कहा मैं आपके यहाँ ऑडिटिंग के लिए आया हुआ हूँ, तब वो अपनी पूरी आपको बुक दिखाएगा, सर ये देखिए आपने देखा स्टेशनरी का बिल लगा है, ये लगा ये लगा है, तो उनकी उसमें उनका टिन नंबर होगा, जीएसटी नंबर डला होगा, ठीक है, वो वैध है या अवैध है, ये सब चीजें आप जब जीएसटी वगैरह डालेंगे ना वो पूरा रजिस्टर्ड होता है, तो फर्जी का तो कोई बिल ही नहीं होगा जो घर में बैठ के बना दिया जाता है। तो ये चीजें आपने जो सीखा हुआ है ना अपने पूरा अभी तक, जिसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी सिलेक्शन के बाद, वो बताएंगे कि आपको कैसे उनको पिक करना है, कैसे आप उनको पकड़ेंगे चोरों को अपने विभाग में, तो ये बहुत बड़ी हमारी जिम्मेदारी है एक ऑडिटर की, क्योंकि विभागों में ऐसा देखा जाता है सरकार, क्योंकि क्लर्क लेवल ऑफिसर होते हैं वो बेईमानी नहीं करते, उनको गवर्नमेंट देती ही इतना है कि उन्हें मोस्टली बेईमानी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन छोटे लेवल पे जो लोग होते हैं वो कई बार ये करते हैं कि फर्जी बिल लगा दी, तो और इस तरीके की चीजें, ये देखिए ये पर्सनल मैटर है, इसे आप कहीं भी अपने इंटरव्यू में ओपन नहीं करेंगे, तो हम जो व्यवहारिक रूप से अपने डिपार्टमेंट में देखते हैं वो चीजें आपसे साझा कर रहे हैं। तो जब ऐसा होता है कि उन्होंने कुछ चीजें अपनी तरफ से लगा दी, तो ऑडिटर जैसे ही इन चीजों को पकड़ेगा, वो कहते हैं अरे ऑडिट आ रही है सब चीजों को ठीक करना चाहिए, घबरा जाते हैं ऑडिट के नाम से, और घबराएगा वही ऑडिट के नाम से जिसने बेईमानी करी होगी अपनी ड्यूटी के दौरान, जो ईमानदार होगा ना उसको घबराने की जरूरत ही नहीं होती, वो तो पूरा अपना अकाउंट का जो सेक्शन होता है खोल के रख देता है, साहब देख लीजिए रखा है सामने, लेकिन ऑडिट से लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, इसलिए डरते हैं क्योंकि अगर उन्होंने 1 साल में अपना अपनी अपनी अगर लाभ की चीजें सोची होती हैं तो पकड़ में आ जाती हैं, तो ये सारी चीजें रहती हैं। सर अगर पंचायती राज में जाएं सर तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सर ऑडिट करने के लिए? ये तो आप वो प्रश्न कर रहे हैं जो आपके जॉब के दौरान आपको करना पड़ेगा, तो ये तो आप जब ट्रेनिंग वगैरह में जाएंगे तो आपके ऑफिसर्स आपको ऑलरेडी बताएंगे कि आपको सर इन्हें, मेरे इंटरव्यू में तो पूछ देते हैं सर वो कुछ भी। जी राहुल जी बताइए क्या कह रहे हैं आप। सर मेरे से इंटरव्यू में क्वेश्चन किया गया था क्रॉस क्वेश्चन में कि आप ऑडिट करने गए पंचायत का, जी आपकी आपको अगर वहां पे कोई गबन पकड़ना हो तो आप किस कैसे करेंगे, हाँ, मेरे तो से ऐसा ये क्रॉस चीज, क्वेश्चन पूछा पूछा जी बिल्कुल, ये चीज गया था, तब आएगी जब आपने ऑडिटिंग के प्रिंसिपल समझे होंगे, अच्छे से तो पढ़े वो होंगे। तो ऑडिटिंग का जो कर्तव्य है वही ना सर, जो हाँ कर वही रहा है चीजें तो ऑडिट, हैं, वही तो हैं, जी अंकेक्षण की वो क्या प्रणालियां हैं, क्या तकनीकें हैं, क्या पद्धतियां हैं, ये जो थ्योरी है आपकी, ये इसको आप व्यवहारिक रूप देने जा रहे हैं। आपने जो जी पद्धतियां अभी तक थ्योरी में पढ़ी थी, ग्रेजुएशन में आपने थ्योरी पढ़ी, ट्वेल्थ क्लास में थ्योरी पढ़ी, लेकिन अब प्रैक्टिकल करने का टाइम आ गया है, तो उन्हें हम कैसे पकड़ेंगे, जब हमने इन मेथड्स को रियलाइज किया होगा, अब इनको हमें प्रैक्टिकल लेवल पे ले जाना है, तो आप वो चीजें उनके सामने रख सकते हैं कि सर ये पद्धतियां होती हैं, जब हमें कोई फर्जी गबन वगैरह पकड़ना होता है तो हम इन चीजों से पकड़ सकते हैं, ठीक
ठीक है अपना भाई, कर्तव्य, अपना कर्तव्य बता सकते हैं उसमें। आप अपने कर्तव्य बताइए, ड्यूटीज बताइए, और टेक्निक्स बताइए, अंकेक्षण कितने प्रकार का हो गया इसमें, तो उसमें आपने पढ़े ही होंगे ना। अब वो किस बात, ग्यारह ये प्रकार सुनिए, का, ग्यारह बात ये प्रकार का है कि उद्देश्य। वो किस सेनेरियो में बात कर रहे हैं। उन्होंने आपके सामने एक प्रैक्टिकल सेनेरियो रखा है, वो किस यस सर, सेनेरियो में बात कर रहे हैं। वहां आपका आईक्यू जो है इतना फास्ट होना चाहिए कि आप तुरंत पिक कर लें कि मैं इस मेथड से ये चीज करूंगा। सेनेरियो का मतलब समझ रहे हैं, वो एक आपके सामने प्रैक्टिकल सेनेरियो रख रहे हैं कि आप फील्ड में खड़े हुए हैं और इस प्रकार की चीजें आपके सामने, यहाँ आप गबन को कैसे पकड़ेंगे। अब आपने अंकेक्षण की पद्धतियां पढ़ी हैं, प्रणालियां पढ़ी हैं, तो उनमें से सारी की सारी पद्धति तो एक बार में यूज नहीं करेंगे ना। अब हमारा जी आईक्यू इतना जी डेवलप होना चाहिए कि हमने एक पिक कर ली और इसके आधार पर हमने पूरी चीजें पकड़ी। आजकल जो जीएसटी है, ये नंबर होता है जो बिलों पे, जैसे पक्का बिल होता है वो मिलेगा, कच्चे बिल पे ये चीजें नहीं मिलती। टिन नंबर की पहले महत्व तो रहता था, आजकल जीएसटी सब चीजें क्लियर हो जाती हैं। सर, ये तो इकोनॉमिक्स में नहीं आना सर, अटेंशन का तो चैप्टर ही नहीं है, तो क्या सर? कैसे पता चलेगा कि प्रणाली क्या है, पद्धति क्या है सर? नहीं, आपने अंकेक्षण की थ्योरीज पढ़ी होंगी ना, इकोनॉमिक्स से भी आपको रूबरू होना चाहिए। ऐसा भी नहीं आप इकोनॉमिक्स को अंडर एस्टिमेट कर दें। इकोनॉमिक्स नहीं और सर, इकोनॉमिक्स और अंकेक्षण अकाउंटिंग, ये सब चीजें हैं तो एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं ना। आप कहना क्या चाह रहे हैं? फिर क्या है साहब जो बोले कि पद्धति से पकड़ेंगे, मतलब क्या उसमें क्या थ्योरी है हाँ तो सर उसका? टेक्निक्स पढ़ी होंगी ना आपने, नहीं पढ़ी आपने? अंकेक्षण कितने प्रकार के होते हैं? चलिए, तो प्रकृति दो है पता है सर, एक्सटर्नल एक इंटरनल है, एक प्री है हाँ और एक जी पोस्ट है, यही हाँ। अब आपने ये है समझ, चार। अब आप इनमें से कौन सी थ्योरी का, अब आपने इनके वो तो पढ़े होंगे कि नहीं, अप्लाई कैसे किया जाता है थ्योरी में, आपने इसको समझा तो होगा, नहीं समझा होगा। नहीं सर, चलिए ठीक है, अभी हम लोग का लेखांकन चल रहा है, अंकेक्षण पे आते तब तो विस्तार से बात कर लेंगे। ठीक है, इनके जो मेथड्स हैं, जो हमारी 5-6 मेथड्स आते हैं अंकेक्षण के, जो प्रकार आते हैं, जैसे कि क्षेत्र के आधार पर अंकेक्षण होता है, जिसमें पूर्व अंकेक्षण होता है, आंशिक अंकेक्षण होता है, विस्तृत अंकेक्षण भी होता है, समयानुसार अंकेक्षण होते हैं, विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर होते हैं, जैसे पर्यावरणीय अंकेक्षण हो गया, रूपण अंकेक्षण है, निपुणता अंकेक्षण है। अब चूंकि ये टॉपिक इतने छोटे तो है नहीं कि एक लाइन में कंप्लीट हो जाएंगे, थोड़ा सा जब हम लोग स्पेशली अंकेक्षण पे आएंगे तब उन पर डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है ना, निजी अंकेक्षण की बात करें तो एकारी व्यापार का अंकेक्षण होता है, साझेदारी व्यवसाय का अंकेक्षण होता है। हम वही कह रहे हैं जो आपके डाउट्स हैं ना, उन्हें नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर आराम से डाउट सेशन में क्लियर कर लीजिए। फिर बात क्या, अभी लेखांकन पे चल रही है, वो अंकेक्षण पे कन्वर्ट होने जा रही है, समझ रहे हैं? सर आप जो बता रहे थे सर, वो नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट, हाँ, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट्स पे चल रहे थे। एक मिनट रुकिएगा अनुराग सर, वो अजय सर भी जुड़े हुए हैं, तो अगर वो कुछ कहना चाहें तो उनके सामने हम क्या बोलें, तो आप थोड़ा सा इस चीज को देख लीजिए। अभी इनके डाउट्स हम सोच रहे हैं, अभी जो चल रहा है नहीं अभी अकाउंटिंग, देखना है। ये अकाउंटिंग वाला हाँ मामला आप चल अभी रहा कंटिन्यू करिए, आप बढ़िया बता रहे हैं अभी, डिटेल पहले सिस्टम के बारे में बता दीजिए, फिर उसके बारे में बात करें। ठीक है। जी सर, है थैंक यू सो सर, मच सर। पहले आप थ्योरी पे बात करिए, फिर सर हैं अभी गोपाल सर भी आएंगे, फिर जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। आप तो हम लोग यहाँ क्लासिफाइंग की बात कर रहे थे, तो जो भी हमने प्रविष्टियों की पहचान की है लेखांकन में, फिर हम उनका क्या कर देते हैं, पोस्टिंग कर देते हैं, अलग अलग वाउचर में खतौनी कर दी जाती है। और 3 प्रकार के खाते होते हैं, उन पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हमने नगद और उधार विक्रय संबंधी लेन देनों को सेल्स अकाउंट में पोस्ट कर दिया, समझिएगा किस में अकाउंट कर रहे हैं, क्योंकि किससे संबंधित है, नगद और उधार विक्रय से संबंधित है। 2 प्रकार का हमारा लेन देन होता है, जब कोई भी व्यक्ति माल खरीदता है, आप और हम जब दुकान पर जाते हैं तो 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1,000 रुपए, 2,000 का सामान खरीदते हैं। लेकिन जब एक व्यापारी किसी थोक व्यापारी से सामान खरीदता है, तो वो लाखों में सामान खरीदता है और इतना पैसा हर किसी की जेब में नहीं होता, तब वो क्या कहता है कि मैं आपसे उधार माल खरीदूंगा। उसके लिए वो कई मेथड्स यूज करता है, जैसे कि पोस्ट डेटेड चेक दे दिया, उसने कहा सर 3 महीने बाद अपना चेक बना लीजिएगा। उसने कहा ठीक है, आपके और हमारे संबंध अच्छे हैं, विश्वास कीजिए, विश्वास के आधार पर भी उधार माल ले लेता है, मैं आपको 1 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। तो इस तरीके से उधार माल, और कई बार ऐसा भी होता है किसी के पास पैसा है और 40-50 हजार का माल ले रहा है, तो तुरंत पेमेंट भी कर देता है। तो नगद और उधार जो विक्रय होते हैं, इन्हें कहाँ पोस्ट किया जाता है, सेल्स अकाउंट में पोस्ट किया जाता है। और व्यक्ति के साथ किए गए जो लेन देन है, उसे व्यक्ति के पर्सनल जो अकाउंट्स होते हैं, व्यक्ति के नाम से, ठीक है, जैसे कि अगर जो आपकी कैश की एंट्री होगी, अगर नगद माल है तो कैश टू सेल्स हो जाती है एंट्री, ठीक है। लेकिन अगर आपके उधार माल आता है
उधार माल की जब हम एंट्री करते हैं वाउचर के अंदर, तो जिस व्यक्ति का उधार हम लोग ले रहे होते हैं उसका नाम से एंट्री होती है। तो वही ये बात बता रहा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किए गए लेन देन को उस व्यक्ति के पर्सनल अकाउंट में और लाभ हानि संबंधी लेन देन जो होते हैं, लाभ हानि से संबंधित जो लेन देन होते हैं उनकी संबंधी उन लाभ हानि खाते में की जाती है। और लाभ हानि खाता कैसा होता है, एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम समराइज करते हैं। समराइज में हम खाते का बैलेंस निकाल लेते हैं, यानी उनकी समरी बनाते हैं, बैलेंस शीट वगैरह हम बनाते हैं। तो बैलेंस शीट में मोस्टली उसमें हम देखते हैं कि कितना हमारी असेट्स है, कितनी हमारी लाइबिलिटीज हैं। अगर लाइबिलिटीज ज्यादा हैं और असेट कम है, यानी आपका घाटे का सौदा हो रहा है, घाटे का व्यापार चल रहा है, आपकी असेट्स ज्यादा है लाइबिलिटीज कम है, बहुत अच्छी बात है, और अधिकतर कोशिश की जाती है कि इक्वल किया जाए इन्हें। ठीक है, तो जब समराइज किया जाता है तो बैलेंस निकाला जाता है और एक समराइज समरी तैयार करके आपका आय व्यय खाता है, जिसे हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, वित्तीय स्थिति तथा रोकड़ प्रवाह जिसे हम कैश फ्लो बोलते हैं, और फंड फ्लो, कैश फ्लो और फंड फ्लो, ये दो चीजें हमारी होती हैं। इन सबको इसमें ज्ञात किया जाता है, किसमें, जब हम समरी बनाते हैं तब। तो स्टार्टिंग होती है किससे, हमारी जनरल एंट्री हो गई, लेजर हो गया, पी एंड एल अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, उसके बाद हमारा ट्रायल बैलेंस बैलेंस होता है। तो इस तरीके से हम कई सारी चीज, शीट बैलेंस शीट के अंदर जो कंपनी होती है उसकी लाइबिलिटीज आती हैं और असेट्स आती हैं। असेट्स में क्या आएगा, आपका फर्नीचर है, इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, इस तरीके की चीजें हो गई, आपके क्रेडिटर्स हैं जिनसे आपको पैसा लेना है, ये लोग आते हैं असेट, हमारी असेट, यानी जिनसे आपको पैसा मिलना है, जिन चीजों से आपको पैसा मिलना है वो चीजें आपकी असेट है, क्योंकि आपके अंदर आपकी यहाँ मशीनरी लगी है, ये क्या होगी, आपकी असेट है ना, जब बेचोगे तो पैसा मिलेगा, ये बात और है कि डेप्रिसिएशन होगा, लायबिलिटी तो वो हो गया ना सर, जो आपको देना हो नहीं, लाइबिलिटी वो है जो पे करनी है और असेट वो है गोल्डन टेम्पल। जिससे आपको मिलेगा, समझ रहे हैं। यस सर, लाइबिलिटी में आपके कौन आ गए, आपके डेटर्स आ गए, जिन लोगों को आपको देना हो गया, कोई कहीं आपको भुगतान करना है, सीधी सी भाषा में समझिए, जहां हमें भुगतान करना है वो हमारी लाइबिलिटीज है, हमारे दायित्व है। छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, आपके जैसे बच्चे होंगे या फैमिली है, माता पिता हैं, अब आप इनके लिए दवाई लेने जा रहे हैं, आप इनका इलाज करवा रहे हैं, इनकी सेवा में कुछ खर्च कर रहे हैं, या अपने परिवार के लिए कुछ खर्चा कर रहे हैं, तो ये आपकी क्या है, जिम्मेदारियां हैं, आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। और वही बात है जब आप विभाग में जाते हैं, किसी कंपनी में जाते हैं, तो किसी भी चीज के संचालन में आय और व्यय दोनों चीजें होती हैं। तो हम क्या करते हैं, ये हमारे जो भी हम चीजें भुगतान कर रहे हैं पैसे के रूप में, क्योंकि व्यवसाय में भावनाएं नहीं होती हैं, व्यवसाय पर शुद्ध लाभ और हानि की बात की जाती है, क्योंकि वो पैसे से संबंधित होता है। तो यहाँ पर जो भी आप भुगतान कर रहे हैं वो लाइबिलिटीज हो गई, और जो जिन चीजों से आपको पैसा मिलेगा वो आपकी असेट्स हो गए, सीधी सी बात है, जहां से आपको भुगतान प्राप्त होना है वो असेट है, और जहां भुगतान हमें करना है वो लाइबिलिटीज है। आगे चलते हैं, चलिए उसके बाद हम निर्वाचन यानी इंटरप्रेटिंग करते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, विश्लेषण से प्राप्त, यानी हमने जब पहले एनालिसिस करेंगे, समरी बना ली, समरी बनाने के बाद हम इनकी एनालाइजिंग करेंगे। एनालाइजिंग की सिचुएशन में क्या होता है कि जो व्यक्ति या संस्था होती है उसकी वित्तीय स्थिति में वृद्धि हुई या कमी हुई, इसका विश्लेषण आय व्यय विवरण के आधार पर किया जाता है, यानी एक इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है और उसके आधार पर देखा जाता है इसमें वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, और इसके बाद फिर वित्तीय स्थिति को जांचने के लिए बैलेंस शीट में जो मदें दी गई होती हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और इस आधार पर एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं निर्वचन की, अब आती है इंटरप्रिटिंग की बात। ठीक है, विश्लेषण कर लिया, और बहुत जरूरी भी है किसी भी संस्थान में विश्लेषण। अब आप ऑडिटर बनने जा रहे हैं, आपकी ऑडिटिंग की जाएगी, आप किन चीजों का विश्लेषण करेंगे, ऑब्वियसली आप देखेंगे कि जिस विभाग का आपको ऑडिटर बनाया जा रहा है, जिस जगह पर आप ऑडिटिंग करने जाएंगे वो कैस किस दशा में चल रहा है, यानी सरकार को घाटा तो नहीं दे रहा वो विभाग, कोई हानि तो नहीं पहुंचा रहा है, इनकम को बढ़ाने में और यानी जो आय व्यय है उनको संतुलित रख पा रहा है या नहीं रख पा रहा है, पता पड़ा कि उन लोगों के कार्य करने की पद्धति ऐसी हो कि सरकार के राजस्व ही घाट पे पहुंच जाए, सरकार को राजस्व घाटा झेलना पड़े आगे आने वाले भविष्य में, तो आपकी जो ऑडिटिंग की रिपोर्ट होगी वो गवर्नमेंट को ये बताएगी कि इस विभाग में ये कमियां हैं और ये अच्छाइयां हैं, त्रुटियां दूर करेंगे तो हमारी जो राज्य की अर्थव्यवस्था है वो किससे बचेगी, राजस्वी घाटे से बचेगी। और देखिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो होते हैं, आधे से ज्यादा जो हमारा पैसा होता है, हमारी जो सरकार है वो इन पर बहुत खर्च करती है। अभी आपको छोटा सा एग्जांपल दें, हमारे पीआरओ सर, हमारे जो सीपीआर सर हैं, कमिश्नर ऑफ पब्लिक रिलेशन, अभी चुनाव आने वाले हैं हमारी स्टेट में,
जिनका भी, ललन जी आप अपना म्यूट कीजिए। तो अभी मीटिंग हुई थी सभी अधिकारियों के बीच में, तो उन्होंने हमारे ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दिए, भैया जिसको कंप्यूटर चाहिए कंप्यूटर ले लो, अंशकालिक कर्मचारी रखने तुम वो भी रख लो। तो मैं दो दो लोग चाहिए, दो दो लोग लो, मुझे निर्वाचन में अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए। जब हमने, मैंने अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, उनका ये स्टेटमेंट सुना, तो मैंने सोचा कि जितनी भावनाओं के साथ ही निर्वाचन को अच्छे ढंग से कराना चाह रहे हैं और जो जिम्मेदारी ने सौंपी गई है, इनका कहना सही है कि वाईफाई वाले कैमरे ले लो, भले ही वो 60-70 हज़ार का है, डबल मशीनरीज ले लो, सब कुछ कर लो। और ऑफिस में जब हम जमीनी स्तर पे काम करते, तो पता है क्या होता है, जो क्लर्क होता है वो गया, अरे अपने साठ गांठ करी अपने ऑफिसर से, अरे अब तो सीपीआर सर ने अलाउ कर दिया है, प्रपोजल बनाते और सब कुछ मंगवा लेते हैं, उसमें से कुछ तो घर पे ही चला जाता है। ये व्यवहारिक चीजें देखिए, इसको आप कहीं पर भी ओपन नहीं करेंगे, ये व्यवहारिक चीजें जो चलती है। अब बात यह है, ये तब बात आपको समझ में आएगी जब आप वहां पे काम करेंगी, और यहीं आपकी नैतिकता देखी जाएगी। जब आपने बीपीएससी का एग्जाम निकाला था, आपने इथिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा होगा, और इथिक्स का सब्जेक्ट इसलिए रखा जाता है कि व्यक्ति अपनी निष्ठा के साथ कितना कार्य कर सकता है, नैतिकता है या नहीं, ईमानदारी है या नहीं। पहले या दूसरे साल में सब हर कोई ईमानदार बनता है, लेकिन सिस्टम कुछ हमारे यहाँ का ऐसा है कि आगे आने वाले समय में हमारी कब हाथ मैली हो जाए हमें खुद नहीं पता चलता। कुछ लोगों को लूप लाइन में जाने का डर होता है, कहीं मैं लूप लाइन में ना पटक दिया जाए साहब, तो अपने ईमान के साथ ही सौदा कर सर लिया। यहाँ पे नहीं है, बीपीएससी में एथिक्स नहीं, यहाँ इसलिए ज्वाइन नहीं कर है, पाया लेकिन एक जनरल बात चल रही है, इथिक्स जो है वो सर। किसी सब्जेक्ट से संबंधित नहीं है, इथिक्स हमारी आत्मा का विषय है, इथिक्स जो है वो हमें नैतिकता सिखाता है। आगे आने वाली बीपीएससी पीढ़ियों को हम क्या सिखाएंगे, उन्हें हम कैसे नहीं है नैतिक, सर, इसलिए चोरी सब करते हैं सर बहुत जी ज्यादा। वही, आगे आने वाले लोगों को हम क्या सिखाएंगे। अब कुछ छोटी सोचने वाली बात है, अगर कोई भी व्यक्ति कितना ही बेईमान हो, क्या वो, सर सर ये जर्नल एंट्री और लेजर क्या होता है? आगे चल रहे हैं सर, आगे चल रहे हैं, चलिए आप बहुत टू द पॉइंट बात करती हैं, आगे चल रहे हैं, माफ कीजिए टॉपिक से अलग चले गए हम। चलिए, निर्वाचन करने में हम बात कर रहे थे कि इसके अंतर्गत उपयुक्त विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर जनरल एंट्रीज भी क्लियर करेंगे, लेजर भी क्लियर करेंगे, ट्रायल रन्स भी क्लियर करेंगे, सब इंटरप्ट कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। इंटरप्ट करने का बाद में था, वो मेरा कहना था सर, जी वो तो उतना मतलब डीप नहीं पूछेंगे ना सर, अगर वो अरे लो वो नहीं इकोनॉमिक्स पूछेंगे, का लेकिन तो वो नहीं पूछेंगे या नहीं पूछेंगे ये एक अलग मामला है, आपको बेसिक तो पता होना चाहिए, बेसिक चीजें हाँ यही होती हैं। बेसिक से पूछ रहे, तो हाँ वही तो पूछ है, देते हैं कभी जनरल एंट्री क्या है, असल लेजर क्या एक्चुअली है। होता क्या है, वो कुछ भी पूछें आपसे, लेकिन अगर आपको पूर्व का ज्ञान है तो आप कुछ चीजों को लिंक करके आंसर दे सकते हैं ना। यस सर हाँ अब सर हमारे कुछ पास, बोलना चाहेंगे। जी बताइए राहुल इम्तियाज अहमद सर का बैच था सर, जी। और एक लड़का से पूछ दिया गया कि बिहार का टोटल एरिया क्या है, लड़का सर डेटा गलत बता दिया, तो उन्होंने बोला कि अभी हम निकाल कर मोबाइल पे चेक कर रहे हैं, जी इसलिए पूछा तो कुछ भी जा सकता है सर, को इसका कोई लिमिट नहीं है, वो तो उनके जो भी मन में आए वो पूछ सकते हैं। ये आइडेंटिफाई कैसे किया, डेटा गलत बता दिया उन्होंने, निकाल के देख लिया था क्या? हाँ हाँ सर, सर मोबाइल उन्होंने से उनके देख पास, लेते हैं सर, वो मोबाइल नहीं देख लिया था से क्या? रहते हैं, वेरीफाई देखिए सिर्फ कहना और करने में फर्क होता है, उन्होंने कर कहा लेते हैं सर। ऐसे। इम्तियाज अहमद का बुक आता है सर, जी वो खुद अपना बुक पब्लिश करते हैं, तो उनका बैच था, वो खुद जानते हैं कि क्या बिहार में क्या है, तो बोले कि अभी तुम्हारे सामने हम क्लियरिफाई करेंगे, अगर गलत तुम बोले तो अभी तुम्हारा नंबर हाँ, ये कटेगा। होता है सर, ये कॉन्फिडेंस लूज करने के लिए अरे होता है। वो इम्तियाज नहीं है, वो अलग है दोनों। नहीं बात समझिए, वो कॉन्फिडेंस लूज करने के लिए भी बोलते हैं कि आप अपने कथन पर कितने श्योर हैं, अगर आपने जो डेटा बताया है वो सही है गलत ये तो बात का मैटर है। अगर उन्होंने कहा ना कि हम चेक कर लेंगे, सर प्लीज चेक कर लीजिए आप, अगर मैं भी अगर भूल रहा हूंगा ना तो मुझे भी याद हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स होना चाहिए। वो आपसे जनगणना थोड़ी ना करवाने वाले हैं, आपने गलत बताया सही बताया बात का इश्यू है, लेकिन उन्हें आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखना है। अगर आप कॉन्फिडेंटली कहते हो जी सर प्लीज चेक कर लीजिए, अगर मुझसे भूल होती है तो मैं भी अपनी त्रुटि सुधार कर लूंगा, आपका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देख के अगर मुझे नहीं लगता कि इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आप वहीं डर गए, अरे नहीं नहीं सर चेक मत कीजिएगा, हो सकता है सर मैं गलत हो सकता हूँ, तो पता चल जाएगा ये व्यक्ति कॉन्फिडेंट नहीं है अपने आप में। असल में मोबाइल निकाल के चेक कर लेते हैं सर कभी कभी। जी कोई इश्यू नहीं है, बहुत अच्छा है, कर सकते हैं, आपने तो अपना आंसर पुट कर दिया और बदलिए भी मत उसे, और वो चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नो डाउट, कोई इश्यू नहीं है इसमें, कर लीजिए, गलत होगा तो अच्छा है ना, हमें एक नई जानकारी मिल जाएगी, कोई बात नहीं, इस बार फेल हो गए अगली बार फिर एग्जाम देंगे, दोबारा इंटरव्यू तक चले जाएंगे। एक रिलैक्सिंग पोजिशन जो होती है ना कैंडिडेट के लिए, वो मैटर करती है, हड़बड़ाहट नहीं हो। अभी हमने एक व्यक्ति से, एक किसी का हमारे साथ के फ्रेंड से, हमने उनसे पूछा क्यों भाई एमपीपीएससी क्यों करना चाहते हो आप, उन्होंने पता है क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा हमें पैसा कमाने के लिए पोजीशन चाहिए। मैंने कहा बस पैसा कमाने के लिए, तो वो तो आप प्राइवेट जॉब से भी कर सकते हो, मैंने कहा मेरी सिस्टर 24 ईयर्स की, उसको 2.5 लाख रुपए का पैकेज मिलता है, प्राइवेट कंपनी देती है, पैसा तो आप ऐसे भी कमा सकते हो, पीएससी का ऑफिसर बनने की जरूरत है, अरे थोड़ा सा रेपुटेशन भी मिल जाएगी, तो मैंने सिर्फ रेपुटेशन के लिए आपको जॉब चाहिए, इसके बाद मैंने फिर उनसे कुछ नहीं कहा।
मैंने कहा मैं इनसे क्या बोलूं, लेकिन इस तरीके के स्टेटमेंट आप बताइए, पैसा कमाना है, रेपुटेशन चाहिए। सिविल सर्विस का मतलब ही होता है लोक नहीं सेवा, सिविल सेवा का मतलब ही होता है लोक सेवा। और अगर आपसे कोई ये बोले कि आपको क्यों चाहिए, तो ऑब्वियसली इतना सेंस होना चाहिए कि हम जा किस काम के सर, लिए रहे। जी इतना भी थ्रोट कट नहीं बोलना चाहिए सर, ये सेल्फिश टाइप का हो गया। जी वही चीज। तो ये हमारे व्यक्तित्व को, क्योंकि सिविल पब्लिक सर्विस कमीशन इसका मतलब ही है सेवा, और सेवा का अर्थ जहां कोई स्वार्थ ना छुपा हुआ हो, जहां व्यक्तिगत, देखिए गवर्नमेंट तो वैसे भी पे करेगी, ऐसा तो है नहीं कि नहीं पे करेगी, लेकिन बात होती है लोक सेवक की, और लोक सेवक हर कोई नहीं बन जाता, इसके लिए बहुत परिश्रम करके हम आते हैं। चलिए खैर, ये बात की बात है, इन पर बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम देखते हैं निर्वचन पे हम बात कर रहे थे, तो एनालिसिस के बाद निर्वचन की इंटरप्रेट किया, इसमें हम कर रहे थे कि जो हमें विश्लेषण से, जो हमें आधार हमने स्थापित किया है, तो इसे निर्धारित अवधि में जो हमारे प्राप्त परिणाम थे वो क्यों थे और कैसे रहे, इन्हें निर्दिष्ट दशाओं में इसके भविष्य में क्या परिणाम होंगे इसकी संभावना है। तो आपने कोई भी एनालिसिस आप करेंगे तो आगामी इसके परिणाम बताने पड़ेंगे। जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल बजट बजट बनता है, चाहे केंद्रीय बजट हो या राज्य का बजट हो, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, असेसमेंट ईयर में एक प्लानिंग बनाते हैं कि हमारे इसमें हमें इन इन चीज मदों पर खर्चा करना है और ये चीजें हम लेकर के चलेंगे। तो इसका भविष्य में क्या परिणाम होगा, तो उनकी जो एनालाइजिंग टीम होती है वो ये पता करके रखती है कि अगर ये ऊपर नीचे होता है तो इसका हम जो भी चीज बताइए उसे इंटरप्रेट करना है। ये हमारा म्यूट किसने किया था सर, आपने किसी ने म्यूट किया है क्या? चलिए कोई बात नहीं, नहीं सर कुछ कह रहे थे क्या? नहीं कह रहे कंटिन्यू रखिए। अच्छा जी, तो इंटरप्रेट करने में हम क्या कर रहे हैं कि भविष्य में उसके क्या परिणाम होंगे, इन सब संभावनाओं को हम देख रहे हैं। और उसके बाद जब कम्युनिकेटिंग की बात आई संप्रेषण, तो इसके अंतर्गत सारांशीकृत विश्लेषण और निर्वचन किए गए जो हमारे तथ्य हैं, यानी जिनको हमने एनालाइज किया है, इंटरप्रेट किया है, तो इन सबको हम क्या करेंगे, उपयोगकर्ताओं तक भेजेंगे। तो बात आती है कि हमारे उपयोगकर्ता होते कौन है, ठीक है? तो सूच लेखांकन की जो सूचनाएं होती हैं उनके दो प्रकार के उपयोगकर्ता होते हैं, एक तो इंटरनल यूजर्स होते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। इतनी सारी मेहनत हम कर क्यों करेंगे, इनके लिए क्या जरूरी है, किसके लिए कर रहे हैं, किसी के लिए तो कर रहे होंगे ना। तो आंतरिक उपयोगकर्ताओं में कौन आते हैं, जैसा कि अभी आपने पूछा भी तल ललन जी के उपयोगकर्ताओं के बारे में, तो देखिए एक तो होता है उपक्रम का स्वामी, ये आंतरिक उपयोगकर्ता है। अब उपक्रम के स्वामी में आपके उपक्रम का स्वामी कौन है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट, ये आपकी स्वामी है, ठीक है? उसके सर सर थोड़ा ये सर थोड़ा बायलैंगुअल रखिए सर, ये टर्म नहीं पता चला सर। यानी जो उसका ओनर होता है ना, प्रोपराइटर, जैसे उसकी बिजनेस की लैंग्वेज में तो प्रोपराइटर वगैरह होती है, लेकिन आपको जो स्टेट का हेड है जो आपकी इन सब चीजों को देख रहा है, आपका, आप जब ऑडिटर बन जाएंगे तो आपके ऊपर कौन बैठा हुआ है, आपसे बड़ा अधिकारी कौन बैठा हुआ है, आप उसके प्रति आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी, ठीक है? तो आपके लिए वो एक तरीके से किसकी, स्वामी की भूमिका निभाएगा। तो आप जो भी सूचनाएं प्राप्त करेंगे उनको कन्वे करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है? तो यस आंतरिक सर उपयोगकर्ता होगा ये, ठीक है? उसके बाद अंश, अब यहाँ प्राइवेट कंपनी की बात आए तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं, अंशधारी हो गए, कर्मचारी होते हैं, और जो प्रबंधक होते हैं, मैनेजमेंट करने वाले एम्प्लॉयज होते हैं, तो ये होते हैं आंतरिक उपयोगकर्ता, जो उन लेखांकन सूचनाओं का उपयोग करते हैं। और ये उपयोग इसलिए करते हैं ताकि आगामी समय में चीजों को और अधिक बेहतर बनाया जाए, ठीक है? अब बात आती है एक्सटर्नल यूजर्स की। तो बाह्य उपयोगकर्ताओं में दो तरीके के होते हैं, एक तो डायरेक्ट हमारे जो यूजर्स होते हैं प्रत्यक्ष उपयोगकर्ता, और अप्रत्यक्ष उपयोगकर्ता। प्रत्यक्ष उपयोगकर्ता में हमारे विनियोक्ता आ गए, लेनदार आ गए, ग्राहक आ गए, ऋणदाता आ गए, करारोपण अधिकारी आ गए, ठीक है? तो ये कुछ चीजें आपको प्राइवेट सेक्टर में मिल जाएंगी। करारोपण अधिकारी तो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी हमें देखने को मिलते हैं, और प्राइवेट सेक्टर्स में अलग उनकी टीम रहती है, ठीक है? तो ये लेखांकन सूचनाओं का प्रयोग करेंगे। इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह होती है ना, तो आपका संबंध उनसे भी रहेगा, आपकी रिपोर्ट्स को इनकम टैक्स ऑफिसर भी देख सकते हैं, ठीक है? और आपसे जुड़े हुए जो लोग होंगे, जो इस फील्ड से रिलेटेड होंगे, आपके ऊपर के ऑफिसर्स वगैरह हो गए, तो वो इन जानकारियों को आपसे कलेक्ट करेंगे। और जब आपको बोला जाएगा, ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि ललन जी जाइए और इस बारे में आपको नीति बनानी है, आपको ये विभाग का, ये जो हमें राजस्वी कमी हम देखने को हमें सर मिल रही है, समस्याएं देखने को मिल रही है, आप दूर करने की कुछ विधि बनाइए, नियम बनाइए, तरीका बताइए, तो वहां आपका जो रिकॉर्ड होगा ना, वो आपकी हेल्प करेगा कि कहाँ क्या कमियां पाई गई और इन्हें कैसे दूर करना है। चलिए उसके बाद अप्रत्यक्ष उपयोगकर्ताओं की बात करें, तो अप्रत्यक्ष उपयोगकर्ताओं में हमारे कौन आते हैं, शोधकर्ता, रिसर्चर्स आ गए, सरकारी संस्थाएं आ गई, गवर्नमेंट एजेंसीज आ गई, श्रम संघ आ गया, लेबर यूनियन जो होती है,
उसके बाद व्यापारिक संस्थाएं हो गई, तो व्यापारिक संस्थाओं से मुझे नहीं लगता आपका ऐसा कोई वास्ता रहने वाला है, लेकिन अगर हो भी तो आप उनके साथ भी अपना कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं। और एक समय के बाद यही होने वाला है, गवर्नमेंट हर चीज को प्राइवेटाइजेशन में लेके जा रही है, तो जो हमारी व्यापारिक संस्थाएं होती हैं वो किसी ना किसी रूप में सरकार को सहायक ही सिद्ध होंगी, क्योंकि आजकल हम लोग कोलाबोरेशन में बहुत काम कर रहे हैं, हर चीज मिलजुल कर बहुत कर रहे हैं। रेलवे जैसी इतनी बड़ी चीज है जिससे हमारे पूरे भारत को बहुत अधिक मात्रा में राजस्व प्राप्त होता है, गवर्नमेंट विचार कर रही है इसका प्राइवेटाइजेशन किया जाए, तो कई सारी चीजें ऐसी हैं। उसके बाद आता है स्कंद विपणी, और स्कंद विपणी स्टॉक से रिलेटेड होता है, स्कंद रहती है जिसे हम बोलते हैं, स्टॉक होता है कि एक वर्ष में जिस व्यक्ति ने माल एक माल खरीदा है और उसकी बिक्री कर दी, अब साल के अंत में जो बचा हुआ रहता है वो अंतिम स्टॉक कहलाता है, क्लोजिंग स्टॉक जिसे बोलते हैं, और जब 1 अप्रैल आएगी तो वो ओपनिंग स्टॉक में चला जाएगा, यानी 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक 1 अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक कहलाता है, तो ये हमारा स्कंद जो होता है, स्कंद विपणी। और फिर कुछ अन्य लोग, तो ये सब लोग क्या करते हैं, लेखांकन की सूचनाओं का उपयोग करते हैं। तो ये हमने चर्चा की थी किसकी, कि आप जो लेखांकन ये सब प्रक्रिया से गुजर रहे हो इन 8 चरणों से होकर के, तो इसके उपयोगकर्ता जो है वो ये एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स होते हैं, तो आपके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके फील्ड में। तो एक चीज हम ये देख लें कि लेखांकन और अंकेक्षण में अंतर क्या होता है, बातें बहुत सारी हैं लेकिन इतना हमें पता होना चाहिए कि लेखांकन और अंकेक्षण किस प्रकार से एक दूसरे को अलग अलग करते हैं। तो अगर हम प्रकृति की बात करें तो लेखांकन या अकाउंटिंग जो है इसमें पुस्तपालन के कार्य की जांच से लेकर के भूल सुधार करना यानी त्रुटियों को सुधार करना और इनके समायोजन तक के सभी कार्य सम्मिलित होते हैं। समीर सर, जी सर बताइए। ये जो क्लास है 1 घंटे में तो खत्म नहीं होनी है। हाँ, इन्होंने डिटेल में आपको बता रहे थे, आपको काफी, अगर आप इसको ध्यान से सुन रहे हो तो काफी डिटेल जानकारी है आपको इससे। हाँ, गोपाल जी कुछ कह रहे थे। सर, सर आप मेरा कहना है कि हम लोग सर इकोनॉमिक्स से हैं, तो हमने तो ये अकाउंटिंग का उतना, वो जो टर्म है ना जो सर डेली यूजेज में आते हैं सर, वो उनके बारे में कुछ पता चल जाता सर, जैसे कि लेजर हो गया, जर्नल वगैरह हो गया, हम सिंगल इसको ही एंट्री और डबल एंट्री। कवर कर रहे हैं ऑलरेडी, जिन्होंने अभी अभी चल रहा था इनका क्लास, इसमें ये ऑलरेडी सारे पॉइंट्स कवर कर रहे हैं इसको, और बाकी अनुराग जी भी आपको डिटेल में बता देंगे, और थोड़ा तो आप इस गूगल भी सर्च कर लीजिए, है ना। तो बेसिकली वो आपकी कॉमन सेंस जो है ना, आपका ऑडिट का कॉमन सेंस है कि नहीं, इसके ऊपर उनका फोकस रहता है। तो अब जैसे आपका अपना ही, अगर आप घर का खर्चा अगर आपको निकालना है ना, मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, आपका बैकग्राउंड नहीं है अकाउंटिंग का, लेकिन यस सर, अगर आपका घर का खर्चा है 20,000 का और आपने उसके लिए पैसे निकाल के रखे हैं 50,000, तो क्या ये एक अच्छी ऑडिटिंग प्रैक्टिस है या खराब ऑडिटिंग प्रैक्टिस है? कारण नहीं सर, खराब है सर। आपने तो 50,000 निकाल के रखा था, 30,000 बचा लिए। सर वो वेस्टेज ऑफ मनी भी हो गया सर, वो जैसे कि वो उसके लिए नहीं है ना सर, वो जो हमें, अब इसी को दूसरे तरीके से मैं देखूं, गवर्नमेंट ने आपको दिया एक प्रोजेक्ट पे खर्च करने के लिए 50 50 करोड़, और आप सिर्फ 20 करोड़, आपको गवर्नमेंट ने दिया 50 करोड़, आपने मांगा कि मुझे 50 करोड़ चाहिए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, और लेकिन आप किसी भी वजह से उसको आप 20 करोड़ में ही खर्च कर पाए, बाकी 30 करोड़ आप खर्च नहीं कर पाए, तो आपने तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं किया गवर्नमेंट का, तो वाई शुड ऑडिट टेक यू अप? ऑडिट आपको क्यों लेगा, आपको पुल अप क्यों करेगा? है कॉमन सेंस की बात कि वो 30 करोड़ रुपया आपने ब्लॉक कर दिया। अगर यस सर, गवर्नमेंट से आपने वो तीस कहीं करोड़ और रुपया नहीं लिया होता, या कहीं गवर्नमेंट उसको कहीं कहीं और और होंगे यूज सर वो। कर सकती है, जहां यस सर, ज्यादा यस जरूरत थी और वहां यूज कर सकती थी। तो कुछ यस चीजें जो लॉजिकली लगती हैं कि नहीं, इसमें तो मैंने कुछ गलत नहीं किया, वहां भी आपको कॉमन सेंस अगर आप यूज करेंगे तो आपको आइडिया लग जाए, ठीक है। और कुछ कुछ यस कॉमन टर्म्स हैं अकाउंटिंग के, लेजर क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, ये तो आप कहीं भी गूगल करेंगे, 11th 12th की किताब भी पढ़ेंगे तो उसमें भी मिल जाएगा, और यहाँ जो अनुराग जी ले रहे हैं उसमें भी फिर भी कुछ डाउट्स बच जाते हैं, तो उसको आप थोड़ा समझ लीजिएगा। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो आपके कॉमन सेंस से हो जाएंगे, अगर आपको वो डायरेक्टली नहीं आते हैं तो।
इस चीज पे आप फोकस करिए, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। सर ऑडिटिंग अगर पंचायती राज में करने जाएं तो क्या सर डॉक्यूमेंट्स लगे मांगे, मतलब हम एज ए हमें पर्सन मिलेगा सर वो आगे मुखी, ये क्या बोलते हैं पंचायत सचिव से सर उसके? देखो जो भी चीजें होंगी आपको ऑडिटिंग में, आपको कहीं भी हर जगह ब्रॉडली एक कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं जो आपको चेक करना है। टेक्निकल हर उसका अलग अलग होगा। बेसिक पैरामीटर्स क्या, कि आपका प्रोजेक्ट क्या था, क्या आपने वो प्रोजेक्ट सही तरीके से उसको प्रोजेक्शन किया था कि आपको इतनी रिक्वायरमेंट थी, है ना। और दूसरी बात आ जाती है कि आपका खर्चा आपने कितना मांगा था और आपने वो खर्चा कितना क्यों किया, आप कितना खर्चा कर दिया, अगर ओवर आपने एक्सीड कर दिया तो क्यों ओवर एक्सीड किया, अगर आपने उसको कम उसको किया आपने तो क्यों आपका कम हुआ, कि आपकी प्रोजेक्शन गलत थी। ये सब चीज़ें उनका ऑडिट का काम है पॉइंट आउट करना, ताकि गवर्नमेंट को फर्दर नुकसान ना हो। विजिलेंस और ऑडिट में फ़र्क समझो। विजिलेंस एक दूसरा होता है डिपार्टमेंट जहाँ करप्शन एंगल देखा जाता है, कि आपने इसमें से किसने कितना पैसा का इसमें हेरा फेरी की। बट ऑडिट का उसमें आता है कि आपने प्रोसीजर में क्या आपकी गड़बड़ी रही जो कि दोबारा रिपीट ना हो, जिससे गवर्नमेंट को नुकसान ना हो। और उसी के अंदर से विजिलेंस एंगल भी निकल जाता है, वो एक अलग इश्यू होता है कि आपने जानबूझ के प्रोसीजर को आपने फॉलो नहीं किया, इसीलिए क्योंकि उसमें कहीं आपका सेल्फ इंटरेस्ट था, अगर आप प्रोसीजर फॉलो करते तो गवर्नमेंट को ये नुकसान नहीं होता, है ना। सर वो एक क्वेश्चन आता है कभी, बोलते हैं आप ये अगर ऑडिटर हैं और पहले कहीं कोई पंचायत में गए तो सबसे पहले क्या करेंगे, मतलब तो जैसे आप बताइए आपका जवाब क्या होगा। सर मुझे एक्चुअल में पता नहीं, मैं अगर वो वहाँ पे लेजर चलता है या नहीं, जर्नल चलता नहीं है या कैशबुक चेक करेंगे, ये मैं चेक कर सकता हूँ तो पता नहीं है जर्नल होता है या लेजर होता है या कैशबुक होता है। मैं टीचर वाले में हाँ, तो कैशबुक मैंने देखा है सर, वो विद्यालय में थोड़ी थोड़ी कैशबुक बेसिक रखते हैं। नॉलेज आपको लेनी होगी और ये सर भी आपको बताएंगे अभी। पहले एक बार कंफर्म करना चाहता हूँ कि बिहार में जो अकाउंटिंग होती है गवर्नमेंट की, वो ऑनलाइन यस सिस्टम सर, से हो गई है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो लागू है उसमें, एक ऑडिट ऑनलाइन करके आता है एक, और ई ग्राम स्वराज पता नहीं क्या मैं ये है। कह रहा हूँ जो भी आपके जो बिल्स वगैरह बनते हैं सारे ऑनलाइन बनते हैं या ट्रांजेक्शन्स, तो सारे वो, क्योंकि मेरे ख्याल से ई कुबेर पोर्टल और उसके बाद में फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो, वो ऑनलाइन हो चुका है मेरे ख्याल से। ये सर ऑनलाइन हो चुका है वो, ई ग्राम स्वरोजगार योजना है आप वो। जो अब कैश बुक और ये चीजें जो है ना, ये अब नहीं हो रही है इतनी प्रचलन में, तो आप ऑनलाइन में जितने भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जितने भी अप्रूवल्स हुए हैं उस पंचायत से रिलेटेड, उसकी फाइनेंशियल सैंक्शंस जो मिली हुई है वो चेक करेंगे, उसके बाद में बजट सालानी इन्होंने कितना मांग की थी, उसके बाद में कितना आया वो चेक करेंगे, किस स्कीम में कितना खर्चा हुआ वो चेक करेंगे, बेनिफिशियरीज को कितना दिया गया वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे जो बजट अप्रूवल जो गया था, सबसे पहले जाते ही आप लोग ये करेंगे कि पिछला जो ऑडिट हुआ वो कब तक का हुआ है, ठीक है, पिछली ऑडिट यस सर रिपोर्ट वो जो तो हुई है है सर, पिछला ऑडिट उस ऑडिट के बाद के सारे डॉक्यूमेंट्स आप उनसे बोलेंगे कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी अकाउंटिंग के डॉक्यूमेंट्स है वो हमें प्रोवाइड कीजिए, जितने भी बिल्स है जितने भी अप्रूवल्स है उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हमें प्रोवाइड कीजिए, ठीक है, क्योंकि तो सर इतना ये उनके प्रेशर पास ये आप, नहीं होता ना, लेजर या जर्नल नहीं होता है। लेजर जर्नल वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम में सीधा ही आ जाता है, उसमें अपने आप बनता है, एंट्री करने की जरूरत नहीं होती। एक फाइनेंशियल जो, ये जो आप कह रहे हो कि एक एंटरप्राइज जो अलग होती है, जो उद्योग होता है उनके, तो जैसे दुकान वाले और ये जर्नल लेजर करते हैं, इनका तो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम में अपने आप बनता है, ये डेली कैश ट्रांजेक्शन्स थोड़ी करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डेली कैश ट्रांजेक्शन थोड़ी करता है, करता है क्या? नहीं सर नहीं करता, इसलिए तो पूछ रहा हूँ सर, मतलब कहीं तो वो लिखते होंगे ना सर इसीलिए कुछ। ऑनलाइन जो है लेजर बन जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो है IFMS टाइप कुछ होगा, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिहार का सिस्टम हाँ सर है एक, हाँ के सर बारे में जानिए, आपके वहां पूछिए, अगर कोई कोई भी पंचायती राज में है तो उनसे एक बार पूछिए कि उसमें कैसे होता है।
हाँ सर, ये ऐप है, ई ग्राम स्वराज, उसी पे सब करते हैं ये हाँ, लोग, मतलब ई वहां ग्राम पे। स्वराज में सारे होते हैं ना, तो उसमें लेजर भी अपने आप बनता है, हाँ सर, वो पूरा वहीं से सर, जो एलोकेशन है लेजर ना सर, वो बनता है, ई मतलब लेजर आप वहां से एक्सेस कर एक पाएंगे। सर ने बहुत अच्छा टर्म बताया आपको IFMS का, आप सभी के लिए इसके बारे में जानकारी ले लीजिएगा। हर राज्य का अलग अलग होता है ये IFMS। बजट में पेश किया गया था 2019 में। इसका इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, और इसके अंदर जैसे आपका टैली चलता है, मार्क सॉफ्टवेयर चलता है, ये जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं उनमें चलते हैं, टैली के वर्जन्स चलते हैं, अलग अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जिसका यूज करती है वो IFMS का यूज करती है। अगर सैलरी पे करना है, कोई भी लेन देन वित्तीय रिकॉर्ड रखने हैं, कोई वाउचर्स वगैरह की एंट्रीज रखनी है, तो आपको IFMS की विंडो में देखने को मिलता है। यूट्यूब पे अभी आप अगर IFMS डालेंगे तो मुझे लगता है इसका इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, तो उसके ऑप्शन आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा सर ने टर्म आपको सामने ओपन किया IFMS का, तो इससे आपको वाकिफ रहना चाहिए। थैंक यू। सर एक टाइड और अनटाइड फंड सर, क्या टाइड और अनटाइड फंड, सर? ये कैसी टर्म? ये तो टर्म ये सर वो आते हैं सर पंचायती राज में पैसे, मतलब वो आते हैं ना सर, दो पंचायती तरीके राज के में अगर साथ कोई एक्सपीरियंस। शर्तें, जैसे कुछ होता है ना कि मेरे ख्याल से, मैं गैस कर रहा हूँ, मुझे श्योर नहीं है, आप गूगल भी कर लीजिएगा। या एक कुछ फंड्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आवास निर्माण योजना, उसमें होता है ना कि इतना यस निर्माण होने के बाद में इतना परसेंट मिलेगा, तो टर्म्स के साथ जो आता है सिका वो उसके साथ आता है, वो वाला होंगे टाइट और अनटाइट, बाकी वाले होंगे फंड्स, मैं गैस कर रहा हूँ, मैं नहीं श्योर हूँ, ठीक है, क्योंकि चीजें राजस्थान में ऐसा टाइट तो और अनटाइट फंड का कोई कॉन्सेप्ट आपने नहीं है। चीजें तो आप एक और क्वेश्चन बताइए। था सर, सर हम लोग रिपोर्ट किसको करेंगे अगर सॉरी ब्लॉक में अगर गए तो सर, कहाँ पे करेंगे सर क्या? ये हमारे ऊपर कौन, हमारे सीनियर कौन होंगे सर वहां पे ब्लॉक? ये ब्लॉक में सीनियर कौन है? ये तो आप अनुराग जी और यही बता पाएंगे, मुझे तो नहीं पता। जैसे हमारे ऑडिटर्स में तो अकाउंट ऑफिसर्स होते हैं, LFAD है, लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट है हमारा, तो उनको हम लोग लगते हैं। अगर ये बनाया गया है ऑडिट हेडक्वार्टर, तो सारा जो हायरार्की होगा, जो सीनियर हमारे ऑडिट से ही रिलेटेड होंगे ना सर, कोई हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन तो ऑडिट नहीं होगा। अकाउंट से अरे रिलेटेड आपका जो लोकल और पोस्ट है ग्लोबल, वो अराजपत्रित अधिकारी है, आपके ऊपर दो सीनियर ऑडिट ऑफिसर होंगे। नहीं सर ये कोई कोई बोलता है ना बीपीआरओ, जैसे न्यू भर्ती ये आया है पंचायती राज में, बीपीआरओ होता है ब्लॉक पंचायती राज, या फिर बीडीओ है, या ये फिर आपके ऊपर डीपीआरओ नहीं है। होंगे, ऑडिट जो है वो अलग होता है, वो अपने आप में समानांतर चलेगा। ये बीडीओ हाँ सर बीपीआरओ पैरेलल, में आपके ऊपर नहीं ये होंगे, पैरेलल चलेगा ना सर ये। ये पैरेलल चलेगा। ऑडिट अलग हो जाएगा, ऑडिट को स्वतंत्र रखा गया है इन सब से, ऑडिट अपने डिपार्टमेंट को ही रिपोर्ट करेगा। आपका जो भी सेंटर होगा, हेडक्वार्टर होगा, वो ऑडिट का होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, हेलो, यस सर, यस थैंक यू सर। और कोई डाउट? सर कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन बता दीजिए सर। किस टाइप के सिचुएशनल क्वेश्चंस आप बताइए, मैं उनका आंसर करने के, ऐसे तो बहुत सारे सिचुएशनल क्वेश्चंस बनते हैं, कि किस किस टाइप के, आप आपको जैसे जहाँ पे डाउट है वो। मेरे से पूछा गया था सर, हम कुछ बता बोल सकते हैं कि जी, बोलिए। हाँ, जैसे आप ऑडिट करने गए, आपको आपको मुखिया द्वारा मना कर दिया ये गया। अभी तक आप किससे, कौन सा इंटरव्यू में पूछा गया, मतलब अभी तो हुआ नहीं है ऑडिटर का कोई, मतलब आराम हम से मॉक देने गए थे ऐसे ही, तो मेरे से ब्लॉक पूछा देने गया गए था। थे। हाँ, मेरे से पूछा गया कि आप ऑडिट करने गए, आपके मुखिया द्वारा आपको ऑडिट करने से मना कर दिया गया, आपके विधायक, आपके जो जिस विधानसभा में गए हैं उस विधायक द्वारा आपको मना किया गया, और संसद को भी आपको फोन आ गया, तो आप उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले लिखित में उनसे लेंगे, जो विधायक और ये जो होते हैं ना मुखिया, ये सर वो डिटेल मांगना है उनसे। इनसे, विधायक से और संसद से तो, सांसद से तो कोई लेना देना नहीं है, तो जो पंचायत का जो हेड होता है उससे लिखित में लेंगे कि आप डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं, और उसकी कंप्लेन फिर अपने डिपार्टमेंट में भिजवाएंगे ये चीज। ये हम सर बोले ये तो सर मुझे मुझे से मेरे से क्रॉस क्वेश्चन किया गया सर,
कि क्या वहां किया पे गया? बोला गया, मेरे से क्रॉस क्वेश्चन किया गया सर, कि हाँ वहां पे 10 लोग वहां पे आपको घेर के खड़ा किया गया मुखिया के द्वारा, कि आप अगर आप हाँ नहीं किए तो हम आपको पिटवाएंगे यहाँ पे। ये 10 लोग घेर के खड़ा किया, तो आप उस समय कहेंगे कोई बात टाल के निकलेंगे, और आप ऑडिट हाँ हाथों सर, हाथ थोड़ी करेंगे। पहली चीज, ऑडिट में ऑडिट कोई ये थोड़ी है कि एक गए आधे घंटे में हो जाएगी। ऑडिट पूरा होते होते एक वीक, 2 वीक, 3 वीक लग सकता है। तो चलो आप डिफेंस इस भी कर सकते हैं हम लोग अपने तरीके से सर चीज में उसको। ये कह सकते हैं कि मैं उस समय चला आऊंगा वहां से, डॉक्यूमेंट्स ऐसे कोई मांगना नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने की कोई लीगल वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। हो सकता है कुछ कारणों से वो मना कर दे, तो मैं सिर्फ यही कागजी कार्यवाही करवाऊंगा और वहां से चला आऊंगा। वहां पे नेता बन के वैसे नहीं और करना है कि मेरे को डॉक्यूमेंट दो ही दो। आपको पुलिस का रोल नहीं करना है, आप पुलिस में नहीं हाँ, हो, और बाकी आपको अगर उसके बस बाद भी अगर वो ऑडिट। उसी पे क्रॉस क्वेश्चंस में डटे रहे ना, तो आप ये कह सकते हो राजकार्य में बाधा का मुकदमा करवाएंगे और पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। देखिए ठीक है ऑडिट का सिस्टम होता है कि पहले बस आप सर, ऑडिट किस चीज पे बोलते करोगे। रहना है, चुप नहीं रहना, बोलते रहना है बस। हाँ, ये चीजों में अटकना मत, ये तो वही है कि आपको परेशान करने के लिए है। अब 10 लोग खड़ा कर दिए, उनको ये थोड़ी पता है कि ऑडिट जो है कोई ऐसा तो है नहीं कि एक साइन करके ऑडिट हो जाएगी। ऑडिट सर हमारा पावर पावर तो ऑडिट में यही है ना, सिर्फ ऑब्जेक्शन लगाने का, और तो कुछ नहीं कर सकते इसमें। यार, ये वाले डाउट्स पहले क्लियर कर लेते एग्जाम देने से। क्या सर? ये वाले डाउट्स आप एग्जाम देने से पहले क्लियर कर देते, अभी इंटरव्यू के टाइम ये मत सोचा करो इस चीज़ों को। क्या सर? ऑडिट में मतलब ऑब्जेक्शन लगाने की पावर, ये क्या है ऑडिट में? मतलब आप ये है कि उनके अकाउंट चेक करोगे, उनको सुझाव दोगे, और कुछ गलतियां भूल चूक जो उनसे हुई है वो पकड़ोगे, कोई अगर फ्रॉड हुआ है तो वो पकड़ोगे, आपकी हाँ ये तो वही ड्यूटी मैं रहेगी। पूछ रहा हूँ सर। मुझे ऐसा लगा कि आप ये पूछ रहे हो कि अब मेरी पावर इतनी है, मेरा कार्य क्षेत्र इतना ही रहेगा क्या? नहीं, मैं बताऊँ क्या कर सकते हैं, कार्य क्षेत्र मेरा क्या होगा सर, कहाँ तक, मतलब यही है ना कि मैं यही रहेगा कि आपको जो अकाउंट है ऑब्जेक्शन लगा मेरे सकते हैं जैसे, बस। हाँ, ऑब्जेक्शन लगा नहीं सकते। सिर्फ ये मत कहना कि हम सिर्फ ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, आपका काम ऑब्जेक्शन लगाना नहीं है, आपका सर मैं काम है अकाउंट्स को सत्यापित करना। सबसे पहला काम है आपका कि किसी भी नहीं, मैं डिपार्टमेंट एक से जो अकाउंट्स एक्सटर्नल बने हैं ऑडिटर से उनको बात सर, किया था सर, क्या मैं एक एक्सटर्नल ऑडिटर से बात किया था, उन्होंने बताया था पंचायती राज में हम लोग जाते हैं तो अगर कुछ फॉल्ट मिलता है तो बस ऑब्जेक्शन लगा के चले आते हैं, देखो देखो ये नहीं ये दिया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये इंटरव्यू और एक जनरल दोनों में फर्क है। ठीक है, अगर इंटरव्यू में बोलना है तो आप ये चीज नहीं बोलोगे, अच्छा और जनरल में बात कर रहे हो तो यही है। ठीक है, यस सर, इंटरव्यू में आपको बोलना है कि ऑडिटर का काम ये होता है कि उसके अकाउंट्स को सत्यापित करना। हाँ, यस सर, ऑडिटर का अगर सील लग गया, उसने कह दिया, तो ये अकाउंट्स को मान लिया जाता है, सत्यापित मान लिया जाता है कि अब तक ठीक है। फिर अगर सर दूसरा रोल जो वो होता है ऑडिटर सत्यापित का ये होता है नहीं कर कि पाए तो, क्या, अगर सत्यापित नहीं कर पाए और डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं मिल पाया तो सर। पूरा नहीं मिल पाया तो आप सत्यापित ही कैसे कर पाओगे? तो आप ऑब्जेक्शन लगाओगे फिर। वही सर सर ओके, ये इंटरव्यू में मत बोलना कि हमारा काम सिर्फ ऑब्जेक्शन लगाना है। आपने जब फॉर्म भरा होगा ना बीपीएससी ऑडिटर का, तो जो भी यस सर, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करता है ना, उस समय जिस पद पर नियुक्ति की जा रही है उसके कार्य का विवरण दिया रहता है। आप उतनी भी बता देंगे ना कि ये हमारे कार्य नोटिफिकेशन में दिए गए, तो भी सेटिस्फाई हो यस जाएंगे सर, लोग। कहीं इंटरनेट से देखने की जरूरत ही नहीं, नोटिफिकेशन दोबारा पढ़ लीजिए कि उन्होंने पद के लिए क्या अर्हताएं रखी थी और क्या उन्होंने मांगा था कि ये करना पड़ेगा, हर नोटिफिकेशन में रहता है। ऑब्वियसली अब आपके में है कि आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना, सर ये अगर पूछे वो कि क्या ऑडिटिंग करना ज्यादा है तो खर्च का नहीं है, ये ज्यादा लॉस हो जाएगा इसमें, मतलब तो ज्यादा एक्सचेकर के लिए ज्यादा बर्डन होगा ऑडिटिंग ललन करना। ललन हाँ सर, कल के लिए भी कुछ क्वेश्चन रखे जाएं, है ओके ना? ओके, हाँ, मनीषा यस भी पूछना चाह रही हैं और वो भी अपने कुछ डाउट्स पूछ लें तो ठीक रहेगा। मनीषा, कुछ आप पूछना चाह रही थी?
मनीषा अनम्यूट करके बोलिए। हाँ हेलो, आवाज आ रही है सर? सर बोलिए अब। जैसे इकोनॉमिक्स मेरा ऑप्शनल है, तो फिर पूछ सकते हैं कि आप अपने सब्जेक्ट टाइप में कैसे यूज कर सकती हैं, तो इसमें हम कैसे बोल सकते हैं? इकोनॉमिक्स में आपके जो है क्या 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 पढ़ा है आपने? फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा ही होगा, पढ़ा पब्लिक है कि नहीं फाइनेंस पढ़ा? पब्लिक पढ़ते हैं। फाइनेंस, हाँ वही तो। पब्लिक फाइनेंस की आपको समझ नहीं होगी, आप उस फाइनेंस को जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप अकाउंट्स को कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे उनको पढ़ेंगे? तो यही कहेंगे कि हमने पब्लिक फाइनेंस की पढ़ाई की है, उसकी चीज़ों को मैं अप्लाई करूंगी या करूंगा। बेटर समझ पाऊंगा सर ये ऑडिटिंग को। हाँ हाँ वही ठीक है। ये इकोनॉमिक्स है या ऑप्शनल जो भी है आप लोगों का ना, इस पे हम सेशन लगाते हैं, अभी आज नहीं लगा पाए क्योंकि ये सेशन चलाना ज़रूरी था, और ये 2-3 दिन में निपट जाएगा, फिर उसके बाद हम ये सेशन फिर बढ़ाते रहेंगे, चलता रहेगा। इकोनॉमिक्स में क्या होता है, आप उसका क्या यूज कर सकते हैं, मैथ का क्या यूज होगा आपके, और भी जो ऑप्शनल होंगे या आपके जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स होंगे उनका क्या यूज है, ठीक है, उन सब पे हम बात करेंगे, ठीक है। वो डेली चलता है क्लास, 8 से 9 बजे के बीच में डेली कराते हैं, ठीक है। तो अभी सिर्फ इन्हीं दोनों चीज़ों पर हम सब बात करेंगे, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग पे, ओके। 2 दिन कम से कम क्लास चलेगी, फिर उसके बाद आप लोग कंटिन्यू करिएगा अपने सेशन के साथ, मॉक भी चलता रहेगा, सेशन भी चलता रहेगा, दोनों आप लोग कंटिन्यू रखेंगे तो आपको फायदा रहेगा, ठीक है। बहुत सारे डाउट थैंक यू हैं, सर। हाँ इकोनॉमिक्स में बहुत सारे टर्म्स हैं जो एक बार में नहीं समझ में आएंगे, जैसे हम 2-3 दिन बात कर चुके हैं ये इकोनॉमिक्स में कई सारे टर्म्स के, लेकिन अभी भी अगर पूछ लिए जाए तो इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा, फिर वो भूल गए होंगे, तो उसके बारे में हम बराबर बात करेंगे, चिंता मत करिए। अभी टाइम है अपने पास, तो अभी हम अकाउंटिंग और ऑडिटिंग इन दोनों पे खास करके ध्यान रखेंगे। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग समझ जाएंगे तो आप मान चलिए कि अपना काम आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। और रही बात जो आपका ये जो प्रोटोकॉल वाला सिस्टम है कि आपका सीनियर कौन, उसका सीनियर कौन, उसका सीनियर कौन, फिर किसका सीनियर है कौन, किसको किसको कौन कौन रिपोर्ट करता है, ये सारी चीज़ें ग्रुप में हम डाल रखे हैं, पहले से भेज रखे हैं, क्यों कैसे होता है, प्रमोशन का क्या दायरा है, ठीक है, कब आप अराजपत्रित से राजपत्रित बनते हैं, ये सारी चीज़ें हम उसमें भेज रखे हैं, अभी फिर से हम उसको भेज देंगे वापस, या राहुल आप भेज देना फिर से उसको, ठीक है, वापस भेज दीजिएगा वो पेज। यस सर, तो यस सर, हाँ ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये सब आप लोग हमसे बेफिक्र होकर पूछिए, अब वो हम सेशन जब स्टार्ट करेंगे अपना चलाएंगे तो हम उसमें सारी चीज़ें बताएंगे, चिंता मत करना। ये अकाउंटिंग और ऑडिटिंग वाला जो सेशन है इसमें सिर्फ अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से ही संबंधित बात की जाए, ठीक है, कोशिश की जाए कि इसके साथ साथ कुछ और ना पूछा जाए, बाकी जो सेशन होंगे ना उसमें क्या हम बैठे रहेंगे थोड़ी ना, हमसे पूछिए ना, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे आप लोगों को, अब अच्छे से बताएंगे, ठीक है। सबके लिए मनीष सर, थैंक यू बेफिक्र होकर रहिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, इसीलिए हमने आप लोगों के लिए ये व्यवस्था भी दी है, भाई सेशन भी चले, मॉक भी चले, आप एक मॉक के लिए इतना परेशान हो रहे हैं कि इतना पैसा भी जा रहा है, 5 मिनट 7 मिनट टाइम दे रहा है एक मॉक पे, यहाँ हम आपको आधा घंटा मॉक दिलवाएंगे, आधा घंटे का एक मॉक होगा आपका, चार चार पाँच पाँच मॉक होगा आपका, तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा, कई बार सुधार करने का मौका मिलेगा, उसके सही आंसर क्या होंगे वो भी आपको पता चलेंगे, सेशन से स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स का क्या यूज है, मैथ का क्या यूज है, आपके साइंस का क्या यूज है, ज्योग्राफी का क्या यूज है, ये सारी चीज़ें भी, सोशियोलॉजी का क्या यूज, वो भी हम बता देंगे आपको, आपके ड्यूटी में क्या काम आएगा वो, तो इन सब के लिए आप परेशान ना हो, ठीक ना। तो बेफिक्र होकर आप लोग अपना ये जो सेशन आज हुआ है, कॉपी पेन लेके बैठे थे तो नोट डाउन करके रखे होंगे, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, बाकी ग्रुप में बहुत सारा हमने भेज रखा है, लेकिन हमें लगता है व्हाट्सएप वाला तो फिर देखेगा नहीं आप लोगों को, हमको फिर से भेजना पड़ेगा, लेकिन टेलीग्राम ये पे, सर हाँ व्हाट्सएप बड़ा नहीं दिख रहा उसमें। टेलीग्राम पे लेकिन सब कुछ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं जाके एक बार, लेकिन लेकिन राहुल वो वाला पेज जरूर भेज देना, आप शेयर कर देना वापस से, हाँ हम भेज देंगे सर। क्योंकि वो कहीं होगा हमको भी खोजना पड़ेगा, नहीं तो हम लिखे तो हैं, लिख के रखे हैं उसको, पेज हम खुद भेज ये हम देंगे, भेज ठीक देंगे सर, भेज। है। तो आप लोग बेफिक्र होके रहिए अपना, ये पीबी के नाम से कौन है, ये पीबी के नाम से कौन जुड़ा है, प्रियंका है क्या? यस सर,
अरे बाप रे, तब छह सही है। हम वही सोच रहे थे आप लोग आए नहीं अभी। चलिए तब बढ़िया है, ठीक है फिर ललन, बाकी कल करते हैं, 8 बजे फिर से सेशन करेंगे हम सब। अब अपना कॉपी पेन सब लेकर बैठा करिए, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है तो आप नोट्स भी नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक भाई? सबको फायदा होगा। और हम एक चीज़ और बोलेंगे, रिक्वेस्ट है, ये हमारा रिक्वेस्ट समझो या फिर ये समझो कि हम आपको एक सलाह दे रहे हैं कि आप लोग कुछ भी पढ़ो या कुछ भी लिखो तो आप ग्रुप में डिस्कस भी कर लो, क्योंकि ग्रुप में सभी लोग हैं, अजय सर भी हैं उसमें, हरे कृष्ण सर भी हैं, ऑफिसर्स हैं सब, तो ये लोग आपके सारे डाउट्स भी क्लियर कर दिया करेंगे उसी ग्रुप में ही, क्योंकि वहां पे सबको पता चल जाएगा, अच्छा ये चीजें होती, ये होता है, ये होता है, तो सब लोग बताएंगे एक तरफ से, जिसकी जैसी बारी आएगी, जैसे जो जैसे देखेंगे वो उसी तरीके से उत्तर देते रहेंगे, तो इसका ये भी फायदा है आप लोगों का, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम सब करते हैं, अभी का सेशन बंद करते हैं। समीर सर, जी सर, ठीक है सर, ओके। अब ऑफ करते हैं इसको। आप सभी के लिए बहुत प्रोडक्टिव चीजें, देखिए कोई भी चीज वैल्यूएबल तब बनती है जिससे आपको प्रोडक्टिविटी और आउटपुट मिले, ठीक है। और यहाँ आपको इतनी प्रोडक्टिविटी मिल रही है कि आप एक तो वन टू वन बात कर सकते हैं सभी से, अपनी बातें रख सकते हैं, और एक रिकॉर्डिंग बंद करिए, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।